जो आई है तेरी पल के चुम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैंने कहा एक आउटडोर शो हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि ज़िंदगी में ना आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। जब आपका ज़िंदगी का सफ़र चल रहा होता है तो आपको ज़िंदगी के हर स्टेज में, ज़िंदगी की हर एज में बहुत सारे लोग मिलते हैं। कभी कभी वो लोग आपको नुकसान पहुँचाते हैं और कभी कभी वो लोग आपकी कामयाबी तक आपको सपोर्ट करते हैं। कभी अपनी बातों के ज़रिए, कभी अपने मशवरों के ज़रिए, कभी अपने सहूलियात के ज़रिए, कभी अपनी अच्छी आदत के ज़रिए और कभी अपनी दोस्ती के ज़रिए। आज जिस घर पे मैं खड़ी हूँ, इस घर के मालिक की मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है। मेरी ज़िंदगी में, मेरे मुल्क के नाम में, जो मेरे मुल्क का नाम एक पॉजिटिव तरीके से बाहर लिया जाता है, उसमें इस शख्स का नाम भी आता है। इस शख्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि बहुत मेहनत मुशक्कत से अपना नाम बनाया और इनके बनाए हुए, क्रिएट हुए, किए हुए कपड़ों के बगैर मेरी ईद अधूरी होती है। हर ईद पे, एक ईद के दिन तो ऐसा होता ही है कि मैं इनका जोड़ा पहनूं, और साथ साथ जब भी मैं इनका जोड़ा पहनती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले हों, कि मेरी तारीफें ना हुई हों। हर कोई तारीफ करता है, क्या स्मार्ट लग रही हो, क्या कट पहना है, वाओ नाइस ड्रेस, अलग अलग तारीफें सुनने को मिलती हैं। और कुछ हद तक जाहिर है, इतने साल हो गए मुझे आपके सामने आपसे दोस्ती निभाते हुए, तो इस दोस्ती में कुछ हाथ शायद मेरे बोलने का है, कुछ हाथ हमारे कॉन्टेंट का है, कुछ हाथ हमारे चैनल का है, कुछ हाथ हमारी टीम का है, मगर कुछ हाथ हमारे डिज़ाइनर्स का भी है। देखिए, अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी, कितने दिन, कितने घंटे आप मुझे बर्दाश्त करेंगे? उसमें डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब लोग एक टीम वर्क का काम करते हैं। एक ऐसे डिज़ाइनर के घर पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ जिनके कपड़े तो हसीन होते हैं, उनकी गुफ्तगू इंटरेस्टिंग, और फिर मैं उनके घर पर खड़ी हूँ। आप उनका घर देखें, कितना हसीन, आते ही एक रिलैक्सेशन का एहसास होता है इस दहलीज पे जब कदम रखा जाता है। फिर उनकी स्थेटिक्स इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है, तो मैंने कहा जब इतने सारी हसीन चीज़ें एक साथ जमा है, एक एक जोड़ा उनका डिटेल से देखने को दिल चाहता है। जब भी मैं कपड़े लेने यहाँ आती हूँ, स्टूडियो में जाती हूँ, तो मैं ना बस यूँ खड़ी हो जाती हूँ, और मेरे लिए एक ट्रीट का काम होता है। अगर मैं डिप्रेस्ड भी हूँ और मैं इनके स्टूडियो यहाँ आ जाऊँ तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। जी, आप समझ गए होंगे जो मैं इतने तारीफ़ों के पुल बांध रही हूँ कि अच्छे बोलते भी हैं, अच्छे दिखते भी हैं, खूबसूरत घर भी है, खूबसूरत कपड़े भी हैं। ये नन अदर देन एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, HSY, हसन शहरियार यासीन, एक बहुत बड़ा नाम। और आज इस बड़े नाम के पीछे किसका हाथ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चले आइए, आज की सुबह मैं आपको एंटरटेन कराती हूँ और ज़रा दिखाती हूँ कि खूबसूरत घर सिर्फ पैसे से ही नहीं, दिमाग और दिल से भी बनता है।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ आपको देख के, बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कहा आते ही ये किंग के घर में आए, माशाल्लाह। लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार तुमने अपने घर के क्राउन लगाए हुए, मगर मुझे पसंद बहुत है, अच्छे लगते हैं। और आपके जोड़े के साथ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप यहीं खड़े हो जाएं, इंटरव्यू यहीं कर लेते हैं सारा। कैसे हैं आप? माशाल्लाह, वाओ, जबरदस्त। मैं स्टूडियो तक तो आई हूँ, लेकिन अंदर घर में घुसने के लिए मुझे कैमरे लाने पड़े। ये सच नहीं है, आपको पता है, आप कभी भी आ सकती हैं। और आपके बहुत से लोग नहीं जानते कि आप पूरी फैमिली के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। But it's great to have you here. अच्छा, जब मैं कपड़े देखने आती थी ना, तो मैं बार बार से घर देखती थी, मैं सोचती अंदर से कैसा होगा, क्या होगा, लोगों को दिखाऊं। इतने अच्छे शौक और शौक का मालिक जो है वो कैसे अपने घर को सजाता होगा। कोशिश करता हूँ कि घर खूबसूरत तो लगे, हर घर खूबसूरत लग सकता है। हाँ। मैं समझता हूँ कि आप छोटी सी चीज, कुछ चीजें बहुत महंगी लगती हैं मगर होती नहीं है। हाँ। आप जोड़ तोड़ करके कुछ कर सकते हैं। मैं मजे की स्टोरी बताता हूँ। ये जो टेबल आपके आगे, हाँ, ये पहले सबसे मैंने घर में जब सबसे पहली चीज यही बनाई थी। अच्छा। ये दो जो पाए हैं इसके, हाँ, ये मुझे कहीं रद्दी में मिले। अच्छा। किसी पुरानी ब्रोकन जो पूल टेबल थी ना, वो गिरी हुई थी, उसके ये पाए थे। अच्छा। ऊपर लकड़ी का पेस लिया, उसको जोड़ तोड़ किया और ऊपर शीशा लगा लिया। I think कुल मिला के मैं लोगों को बताता हूँ तो शायद हंसेंगे, बिकॉज़ जाके लगता नहीं है, मगर I think ये मुझे टोटल 6000 रुपए लगे थे पूरी टेबल पे। I don't believe it. हाँ, मगर कोई मानेगा नहीं। मगर मैं इसी तरह सोच रहता हूँ। आप दुकानों में, आप शोरूम्स में भी जाएंगे फर्नीचर, तो आपको ऐसा तो पीस मिलता ही नहीं, और मिलता है तो वो तो भाई कोई लाख, दो लाख, तीन लाख, पता नहीं क्या क्या बात है। यही चीज होती है एक अच्छे घर बनाने के लिए। कुछ लोग समझते हैं कि अगर आप बहुत अच्छी चीज खरीदें, फर्नीचर लें, तो महंगा से महंगा हो तो अच्छा लगेगा। घर में सबसे अच्छी चीज लगती है जैसे आप खुद अपने दिमाग से सोचें कि आपकी फंक्शनिंग के लिए कैसा होगा। कभी फंक्शनैलिटी है कि मेरे घर बहुत से लोग आते हैं, हम लोग कभी खाना सर्व करते हुए मुझे अच्छा लगता है कि मैं छोटी प्लेट्स में कोई ऑर्डर सर्व कर रहा हूँ, किसने यहाँ कुछ रख दिया, कोई कोक 7 आप कुछ पी रहे, कुछ रख सके, फंक्शनल भी हो, प्लस एक मिरर की वजह से घर को खुला खुला भी रखता है। तो वही इसी तरह, और ये जो इसके ऊपर के पीसेस हैं, ये सारे आप कहाँ से जमा करते हैं? ये ऊपर के पीसेस जो हैं वो छोटे छोटे, मैं जा कहीं भी जाता हूँ, घूमने फिरने जाता, कहीं भी घूमने फिरने जाता हूँ ना, आप एक चीज देखेंगे मेरे घर में जो भी चीज है, हाँ, वो मैंने कहीं ना कहीं से कलेक्ट की हुई है। अगर मुझे जिंदगी में कुछ शौक है घर सजाने का, इतना हाँ है, मैं अच्छी भी चीजें चलती हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा शौक है दुनिया देखने का। और मैं दुनिया उस तरह नहीं देखना चाहता जिस तरह लोग देखते हैं कि 5-star होटल गए, सबसे बड़े रेस्टोरेंट गए, नहीं। मैं चाहूंगा मुझे किसी हॉस्टल में भी जाए छोड़ दें, मुझे सड़कें में फिरना है, मैंने जाके देखना है कि लोकल्स किस तरह रहते हैं, वो बनाते हैं क्या, वहाँ का कल्चर क्या है, वो अगर स्पेन है तो स्पेन के अंदर छोटे विलेजेस के अंदर किस तरह का, क्यों है इस तरह का। म्यूजियम और में इंटरेस्ट रखते हैं आप, वहाँ की लाइफ में इंटरेस्ट? मैं म्यूजियम्स जरूर जाके देखता हूँ, मगर हाँ, वो ट्रिप के एंड में देखता हूँ। अच्छा। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि वो खुद कैसे रह रहे हैं, हाँ, और उनकी चीजों हमारी चीजों से कितनी फर्क है और कितनी, हाँ, एक जैसी हैं। हाँ। ये सबसे मजा आता है कि जब पता चलता है कि एक जैसे हम कितने हैं। हाँ। अभी मैं स्पेन से होके आया हूँ, आपको मेरी रंगत से पता चल रहा होगा, लोग सोच रहे होंगे इतना काला होके आया। मैं 3 हफ्तों से धूप में, गर्मी में फिर रहा हूँ, मगर मुझे बहुत पसंद है। मैं समझता हूँ कि तो डार्क रंग लड़कों पे तो स्पेशली बड़ा अच्छा लगता है, मगर वो तो मैं इतना कुछ सीख के आया कि जिस तरह की हमारा कल्चर है, हम जिस तरह अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे बेसिकली बड़ी माओं का बड़ा एक जोर होता है, सबके घरों में होता है, बिल्कुल, कि उनका वो जिस तरह है, माएं क्वीन होती है भाई घर की, होम मिनिस्टर माएं होती है, होम मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर माएं होती है, वाले साहब कोई प्रेसिडेंट होते हैं वो भी कभी कभी, बट उनका उनका खाने का तरीका, जिस तरह फैमिली में इकट्ठे मिलके खाते हैं, जिस तरह हम खाते हैं, जिस तरह उन इतने इमोशनल है, आपको हम पाकिस्तानी जज्बाती हैं, बड़े जज्बाती हैं हम, हमारे प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन बाजे हम मुठ के खड़े हो जाते हैं, ताली बजाना शुरू होते हैं, वो भी उसी तरह के हैं। तो सिमिलैरिटीज का बड़ा अच्छा लगा, उनके खाने का, उनका टेस्ट, उनका आर्ट, उनका क्राफ्ट, उनकी टाइल वर्क, जैसे हमारी मुल्तान की इतनी खूबसूरत टाइल वर्क है, हमारे ब्लू और वाइट, उनकी येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज की रंग की टाइल। आप जब घर से जा रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं कोई चीज? बिल्कुल, देख रहा हूँ, कोई मुल्तान से ले ली, कोई हाला से ले ली, कुछ इस तरह। फैशन क्या है, स्टाइल क्या है, एक जर्नी है, एक सफर है, और ये सफर किस चीज में होता है? आपके लिबास में, आपके आपके घर में, जिस तरह आपके अपने आपको स्टाइल करने में, और आपकी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में जिसमें आप अपना अपने आप को बिल्कुल, जैसे आपका गार्डन हो गया, जैसे आपका नहीं, पानी तो कराची में इतना है नहीं, आपका कैसे गार्डन चमक रहा है इतनी, और ये घास
मैंने कहा भाई ये मैं पकड़ा जाऊंगा कभी कभी सुनिए ये सफेद कारपेट तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गए, मुझे तो कहीं से नहीं मिला। अच्छा ये इसका भी मैं आपको बताऊंगा। कारपेट्स में भी बहुत ऑफ कोर्स खूबसूरत से खूबसूरत कारपेट्स होते हैं, मगर अगर आपने एक कोई अच्छा कारपेट का कोई इंपैक्ट देना हो और आप ज्यादा खर्चना ना चाहें तो अगर आपको मिले जो मिल सकते हैं, ये मैंने डिफेंस से लिया हुआ यहाँ कराची से, सेम कलर ऑन सेम कलर अगर आप लेंगे ना, यानी कि व्हाइट के ऊपर व्हाइट हो, ब्लैक के ऊपर ब्लैक हो, बेज के ऊपर बेज हो, चाहे जिस तरह का भी कारपेट हो, हसीन और खूबसूरत लगेगा। मगर आपको ये बताऊं कि अंदर 20,000 रुपीस था तो आप हैरान हो जाएंगी, मगर मैं इसके बड़े खुल के आराम से बता सकता हूँ, बिकॉज मुझे हर चीज, मैंने कहा महंगी खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं संजी को 2.5 लाख रुपए तक का कारपेट होगा और मैं तो शॉक में हूं। इसका मतलब आप बहुत अच्छे शॉपिंग, आपका आपका जो है टैलेंट है शॉपिंग करना। देखें शायद टैलेंट है शॉपिंग करने का भी, शायद उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आपका जो भी आप कमाई है बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। लोग समझते हैं कि डिजाइनर हो तो बस खुले डुले जी रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया अपने खुद पैरों पे खड़े होकर मैंने सब कुछ किया, मैंने अभी लोगों को सुनानी है सारी कहानी जो मैं जानती हूँ, मगर उसके साथ साथ मैं सोच समझ के भी खर्चता हूँ। मगर खूबसूरती मैं समझता हूँ कि हर चीज, आप एक खूबसूरत सा जूता पहन सकते हैं, अच्छे से एक एक्सेसरी पहन सकते हैं, और कोई हाई स्ट्रीट की टी शर्ट और जीन्स पहन सकते हैं और आप बहुत अच्छे लग सकते हैं। उसी तरह मैं अपने घर का भी समझता हूँ, आपके द्वार पे ऐसा आर्ट हो कि लोग देख के हैरान परेशान हो जाएं, आपकी एक टेबल हो जो कमाल की और दूसरी टेबल आपने खुद बनाई हो, और आपके कारपेट ऐसा ही और कहीं और कारपेट बहुत महंगा हो। जैसे ये टेबल कितनी प्यारी लग रही है इस कारपेट पे, ये टेबल मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे दोस्त हैं उसने खुरम उसने मेरे लिए डिजाइन की थी, उसका लेबल है ब्रैड, उसने ये डिजाइन की थी। एक फायदा ये जरूर होता है इस बिजनेस का, और इस बिजनेस का शायद नहीं, शायद इस सफर का जो मैं जीत चुका हूँ कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे बनाए हैं और मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छे मुझे लगता है दोस्त हैं, बहुत आप ऐसे हैं जो अपना बनाने वाले हैं हर किसी को, बिल्कुल, तो इसलिए आपके बहुत अच्छे। थैंक यू। आई एम आपको लिविंग रूम जो लोग कहते हैं लिविंग रूम, मगर मैं समझता हूँ बस एक फैमिली रूम है। मुझे शौक नहीं है कि घर के अंदर एक बड़े यूज किया जाता है वर्ड ड्रॉइंग रूम, लोग कहते हैं ना जी ड्रॉइंग रूम, फॉर्मल रूम, मैं समझता हूँ घर के अंदर फॉर्मल रूम नहीं होना चाहिए। घर क्या है, घर इज अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं है तो मैं तो, अगर मेरे फैमिली या मेरे फ्रेंड्स ना हो तो मैं घर पे नहीं बुलाता। मैं समझता हूँ कि फिर यू नो रेस्टोरेंट्स में मिल सकते हैं किसी आपको अच्छा लगता है लोगों को घर पे बुलाना और अपने अपनों को बहुत बहुत, और मैं बहुत ज्यादा बुलाता भी हूँ। घर का खाना ना सिर्फ खाना मगर खिलवाना, मैं कहा कुछ नहीं सकता, ये मैं बताता चलूँ, मुझे कुछ नहीं बनाना, लेकिन आपको शौक है खिलाने का, खिलाने का बहुत शौक है, और खाने का भी शौक है, और देसी खाना, खाने का भी खिलाने का भी। अच्छा, लाहौर में हमारे घर पे क्योंकि मेरी वालदा मेरे साथ लाहौर में ज्यादा रहती हैं, वहाँ तो हमारे घर, मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूँ, मगर मैं समझता हूँ कि हमारे घर माना जाता है खाने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे हमारे साथ एक जो हमारे जो खाना बनाते हैं, मैं कुक नहीं कहूंगा बिकॉज हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारे साथ इतने सालों से, मैं सुनूंगा हमारा मेरा फैमिली मेंबर ही है एजे, एक्चुअली हमारे साथ लाहौर से भी आज कराची भी आया हुआ है, अम्मी के साथ आते हैं, उनके पकाए हुए खाने के अलावा कोई खाना नहीं खाते, ज्यादातर नहीं खाते, इसीलिए वो साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो हम अम्मी के बच्चों की तरह है, वो ही इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, उनके बगैर तो हमारे घर में है ही ऐसा, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ सालों से, और हम लोग सारे इकट्ठे मिलके। अच्छा, बहुत अरसे से, मतलब लाइक ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट इंटरव्यूज भी दिए होंगे, लेकिन हसन HSY कैसे बने, हसन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, क्या कोई वो था ना सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं या जूते घिसे हैं, हसन ने कैसे यहाँ तक पहुँचने में किसका सहारा लिया, मतलब होता है ना कि किसी का लैंडलॉर्ड का बेटा होता है, अच्छा जी पैसे लगा दिए तो कपड़े बना लिए, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं दिमाग में।
ये इसके सवालों का जवाब मैं कभी देता भी हूँ. शायद ग्लैमर की दुनिया एक इतनी चमकती हुई और किरणों से भरी हुई दुनिया है कि लोग वो सवाल शायद उनको याद नहीं रहता. हाँ. या वो उसके बारे में सोचते नहीं है. मगर इसका सवाल का जवाब अब मैं ज़्यादा शौक से इसलिए बताता हूँ बिकॉज अब मुझे 25 साल होने को आए इस बिजनेस में. हाँ. और मैं समझता हूँ कि अब के जो बच्चे हैं जो हमारा ज़माना है उसके अंदर एक सर्टन सेंस ऑफ होप खत्म होती जा रही है. वो समझते हैं कि अगर आप अमीर खानदान के अंदर ना पैदा हुए हो या अगर आपके वालिद साहब के पास ढेर सारे पैसे ना हो या आपका बहुत बड़ा कोई लास्ट नेम ना हो आपका. हाँ. फैमिली नाम बहुत बड़ा ना हो. हाँ. या आपकी पहुंच या कनेक्शन या पर्ची ना लगी हो तो आप शायद ना कामयाब हो सके. इसके लिए मैं जब आप ये मुझसे सवाल पूछते हैं यूजली मैं पहले शर्माता था बताने के लिए. मैं सोचता मैं अपनी पर्सनल लाइफ मगर मैं अब इसलिए शौक से बताता हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये जो हमारे नौजवान जो हैं यही हमारा फ्यूचर है और इनको जानना चाहिए कि ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आप खुद कुछ करना चाहें. और अंदर से एक एक जो वो होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल वो यहाँ होता है कि सब कुछ मैंने खुद किया. बिल्कुल है ना. मैं जब बच्चा था तो हमारे पास मेरी वालदा ये पर्सनल जिंदगी में इसलिए शेयर कर रहा हूँ जो आपको बता रहा था. माय मदर एंड माय फादर वर डिवोर्स्ड. अम्मी ने मुझे खुद अकेला बड़ा किया पाला. आप कितने छोटे थे? मैं 2 साल का था. 2 साल बहुत ही छोटा. अच्छा. मैं बहुत बड़ा हो चुका था बहुत छोटी उम्र में. अम्मी तो अम्मी और अब्बू अल्लाह मियां उनको भी सलामत रखे मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है. मगर वो दोनों एक स्पॉइल बैकग्राउंड के थे अमीर खानदान के थे तो अम्मी को कुछ खास ज्यादा मालूम नहीं था कुछ करना. अच्छा. वो एक ही बेटी थी और. हाँ. बड़े खानदान की और जब वो बाहर गई और उनको काम करना पड़ा तो मुझे भी उनको उनके साथ जिंदगी का एक नया सफर देखना पड़ा. हाँ. वो 3-3, 4-4 जॉब्स कर रही थी एक वक्त में अपने आप को पढ़ा भी रही थी मुझे भी पढ़ा रही थी. हाँ. उन्होंने बहुत मेहनत से हमें बड़ा किया मगर उस मेहनत की वजह से मैं शायद अब मेरा बचपना थोड़ा सा कम हो गया मगर मेरा जो सेंस ऑफ हाँ मैंने अब कुछ करना है जिंदगी में वो बहुत मेरे अंदर बैठ चुका था. हाँ. कि कामयाबी जो है खुद हासिल करनी है. हाँ. फेलियर ऑप्शन नहीं हो सकता आपने मेहनत करनी है. अम्मी को देख के मुझे समझ आती थी कि मेहनत का अम्मी खुद बहुत मेहनती औरत बहुत ज्यादा. हाँ. बहुत ज्यादा मेहनती जबकि आप कहते हैं ना कि स्पॉइल्ड बैकग्राउंड है रानियों की तरह पली. बिल्कुल उनको नहीं बिटने में रानी है. हाँ. उनको कहते ही रानी है. हाँ. अम्मी का नाम रिहाना है उनको रानी कहते हैं. वो बिल्कुल अमेरिकन स्कूल में पढ़ी जब वो. हाँ. उन जमानों में कौन अमेरिकन स्कूल जाता था. यू नो यूनिवर्सिटी गई शी वॉज अ स्पोर्ट्स बैडमिंटन खेलती थी टेनिस खेलती थी ड्रामेटिक्स में थी स्कूल में बहुत अच्छी थी. मेरे यू नो अम्मी के नाना जो थे वो फैसलाबाद के मेयर थे. अम्मी के जो फिर उनको ये हार्ड टाइम आपको जिंदगी में आपको कुछ सिचुएशन रखी जाए ना तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं सिंक या स्विम. या आप खत्म हो जाए या आप उस सिचुएशन का फायदा उठाएं और उससे आगे बढ़े. यही मैंने अम्मी से सीखा है कि जो सिचुएशन है जिंदगी में उसका फायदा उठाया जाए दूसरे लोगों का फायदा नहीं किसी और बंदे का फायदा नहीं उस सिचुएशन का फायदा कि ठीक है अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ. हार नहीं माननी काम करना है मेहनत करनी है. तो जब मैं इसी मेहनत की वजह से जब हम वापस पाकिस्तान आए थे तो फैशन के अंदर किस तरह आना हुआ कि मैं 16-17 साल का था जब ए लेवल्स में था तो मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. अच्छा. मैं हम वापस आ रहे थे मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड गाड़ी चला रहा था मैं दो दोस्त मेरे पीछे बैठे हुए थे और हम उस वक्त स्कूल के प्ले में थे. अच्छा. और रमजान का महीना था तो हम सबका रोजा था तो हम सारे गए लाहौर में एक जगह भैया की कबाब. अच्छा. तो वहां से कबाब लेने गए और हम क्या वापस स्कूल वापस लेके आएंगे. तो वापस गाड़ी में आ रहे थे कबाबों का बैग मैंने खोला बारिश हो रही थी एकदम से गाड़ी फॉग अप हुई हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मैं विंडस्क्रीन के थ्रू गया और मेरे दोनों आंखों की नजर खत्म हो गई. I became blind. और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था. एक इंसान को बड़ी मुश्किल से अपनी आइडेंटिटी और अपनी कॉन्फिडेंस बनानी पड़ती है स्पेशली जब आप एक मुश्किल वक्त से गुजरे हो. आपने अपनी वालदा को देखा हो काम करते हुए आपको खुद लगे. और हाँ मैं इसलिए मैं समझता हूँ कि जब ये बच्चे मुझे कहते हैं कि ये किस तरह करेंगे मैं भी इन्हीं की तरह था. मैं जब वापस पाकिस्तान आया मैं कैसे करूंगा मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास पीछे कोई पहुंच भी नहीं है मेरे पास मैं किस तरह आगे बढ़ूंगा. और जब ये हुआ मेरे साथ तब तो मेरे तो पर्दे तो एक्सीडेंट हुआ तो आप देखने खत्म मतलब देख नहीं पा रहे बिल्कुल में खत्म. ओह आंखें दोनों वर डिस्ट्रॉयड और बाकी सब सही थे सिर्फ आंखों आंखें और फेस मेरे पे मुंह. अच्छा. मेरे मुंह के ऊपर
360 से ज्यादा स्टिचेस थे। आप अगर गौर से देखें, जो बहुत कम लोग हम देख सकते हैं, मेरे माथे के ऊपर सारे स्कार्स हैं, आंखों के ऊपर भी सारे स्कार्स हैं, यहाँ भी सारे स्कार्स हैं। मुझे स्कार से कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ नजर भी आए तो कोई बात नहीं। मैं स्कार समझता हूँ कि ये मेरी एक, वो कहते हैं ना आपको जो याद रहती है ना, याद रहती है, जैसे आर्मी के अंदर आपको नहीं वो मिलते बैजेस मिलते ऑफ ऑनर, बस मतलब ये मेरी जिंदगी के ऑनर्स हैं, ये मेरी जिंदगी के सफर के अंदर मैंने जो किया ये मुझे बैज है, बैज ऑफ ऑनर है। तो एनी वे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे जब बहुत ज़्यादा सर्जरी हुई, बहुत ज़्यादा, और जब मुझे वापस नज़र आया ना, शुरू हुआ, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती थी, वो था लाल। मेरी आंखें सिर्फ लाल रिकग्नाइज कर सकती थी। तो अम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन हमेशा इर्द गिर्द किसने लाल कपड़े पहने होते, तो मुझे लाल चीज़ दिखा रहे होते, कोई सेब दे रहा होता, कुछ दे रहा होता। आपने नोट किया होगा कि मेरी ज़्यादा कलेक्शन के अंदर 90% ऑफ कपड़े जो होते हैं वो लाल होते हैं, बिकॉज रेड फॉर मी इज द कलर ऑफ लाइफ। मैंने जो अपनी 25 ईयर की एनिवर्सरी भी की, तो सबने कहा आप लाल कलेक्शन क्यों की? भाई लाल जो मेरे लिए ना, मैं किसी को बता नहीं सकता। मैं तब कहता था कि अल्लाह मियाँ, मैं अम्मी को कहता अल्लाह मियाँ मुझे कुछ और ना दिखाए ना मामा, मुझे लाल देख लिया ना मैं खुश हूँ। अंधेरे के बाद ये लाल रंग मेरे लिए हर चीज था, मेरी जिंदगी थी। अच्छा, अंधेरे से लाल में कन्वर्ट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, आई स्टार्ट सीइंग रेड। तब फिर बाकी चीजें नजर क्यों आई? कितना कितना अरसा तक आप इस अंधेरे के फेज में? ये पूरा फेज तकरीबन कोई साल डेढ़ साल, तो काफी लंबा होता है। और उस वक्त आपकी इतनी यंग एज, आप 17-18 के थे? ना सिर्फ यंग एज, मगर आपको पता आपने अपनी पर्सनालिटी थी मुश्किल से वहां तक बिल्ड की हो, और फिर खत्म, बिकॉज वही जो दोस्त आपको मिलने आना चाह रहे थे, बिकॉज तब एक्सीडेंट नहीं आता, वो आपसे बोर हो चुके हैं, आपकी शक्ल के ऊपर स्टिचेस हैं। बहुत से लोग, बच्चे जो होते हैं ना, नौजवान स्पेशली, वो ज्यादा आई थिंक मीन होते हैं रादर देन जो बड़े हो जाते हैं, बिकॉज तब अभी वो एहसास नहीं होता, वो एम्पथी नहीं होती। मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी उसी वक्त के बने हैं, बिकॉज जो उन्होंने जिन्होंने मेरे साथ उस वक्त साथ दिया, वो आज मेरे अब मेरे भाइयों और बहनों की तरह हैं। तो तब जब ये सब कुछ हुआ, मेरी पर्सनैलिटी काफी टूट चुकी थी, और तब मुझे थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ, बिकॉज मैं तब लॉयर बनना चाहता था, मेरे वालिद साहब पॉलिटिशियन है, मैं उनको भी दिखाना चाहता था कि देखिए जी मैं ये बनूंगा। मैं अपनी फैमिली को दिखाना चाहता था, देखिए जी मेरी माँ ने एक बड़ा से लॉयर को, मुझे बोलने का बड़ा शौक था, जाहिर है आपको पता चल ही गया होगा, सबको ही पता है। मैं सोच रहा था मैं लॉयर बन जाता हूँ, मगर जब नजर वापस आना शुरू हुई, तो अंधेरे में सोचने का भी बड़ा वक्त होता है, सन्नाटे में सोचने के लिए ज्यादा आवाज होती है, फोकस कर सकते बिल्कुल कहते हैं ना, साइलेंस जो होती है ना वो डेफिनिंग होती है, और डेफिनिंग के अंदर आपको नॉइज डालने के लिए आपके ख्याल होते हैं। तो मेरे ख्याल जब आना शुरू हुए, मैं सोच रहा था यार ये यहाँ का सफर तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहा, आगे जाते हुए क्या मैं डेस्क के पीछे बैठना चाहूंगा, क्या ये मेरे लिए ठीक है? कुछ लोगों के लिए है। मैं एक इतनी क्रिएटिव चीजें सोचता रहता हूँ, मैं हमेशा किसी का घर जा रहा था, करता था ये पर्दे इस तरह होते हैं, ये इस तरह होना चाहिए, किसी कपड़े देखता था हाँ पर ये इस तरह हो सकते हैं, मैं बता भी देता था सारों को, अंकल आपके जूते इसके ये होते तो अच्छा होता, बाहर कोई जा रहा हो कि मैं इसका ना ठीक करके, हम कहते क्या करो, मैं कुछ भी नहीं, अम्मी बहुत अच्छा कर रही थी, अम्मी को भी मशवरा देते थे कि आप ये पहने कलर, आप हर वक्त अपनी बहन को भी, हर वक्त मैं हर इंसान को, और अम्मी कहते तो बस पागल हो। तो Anyway, हम सारी बातें करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हुआ, और जरा और भी तो कोने कोने हैं, कोने कोने में जाके देखो, मैं तो किसी के घर आ जाती हूँ अलमारियां नहीं छोड़ती हूँ, अभी मैं तो बुशरा अंसारी को जूतियां भी दिखाई थी, तो आइए देखते हैं कि हम HSY के घर के कौन कौन से कोने में पहुंच सकते हैं। मिलते हैं अलमारी पे, मिलते हैं अलमारी पे, अभी टाइम है उसके लिए, और अगला आगे से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो घर के अंदर जो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक घर को हाउस को एक होम बनाती है, हाँ, उसको उर्दू का तर्जुमा नहीं आ रहा, हाँ, मकान को घर बनाती है बिल्कुल, हाँ। और मेरे लिए सबसे वो जरूरी चीजें हैं तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें स्पेशली, ना सिर्फ आपकी मगर आपके फैमिली की, आपके बड़ों की, वो एक तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट एंड काम बनाती है आपके लिए, बिकॉज मैं समझता हूँ कि एक इंसान सबसे ज्यादा कामयाब तब है जब वो, बिकॉज जो तब तक नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, जब तक उसको ये नहीं पता कि वो है कौन, और वो चीजें आपको एक बहुत ज्यादा ग्राउंड करती हैं। और हमने अभी तस्वीरें दिखानी है, लेकिन जरा नाज़रीन को मैं वेलकम बैक कर रहा हूँ, बातों में ना भूल गए, जैसे वो बिल्कुल घर पे आया होता ना बंदा, वही हो गया। और मुझे मैं इनको इतनी देर से जानता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं टीवी शो कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली भूल भी गया हूँ कि कैमरे भी आए, तो प्लीज
हाँ, तो हम यहाँ आप देखेंगे मुख्तलिफ तस्वीरें लगी हुई हैं और इन तस्वीरों से इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है क्योंकि इनकी अम्मी की हैं, मामू की हैं, अबू की हैं, नाना की हैं, बिल्कुल नाना की हैं और माशाल्लाह पूरी यादें हैं, अम्मी की दादी की हैं, तरह तरह की तस्वीरें हैं। तो अमिताभ बच्चन के भी नाना इन्होंने दिखाए। हाँ बिल्कुल, मेरे कहाँ हैं वो वाले, जरा दिखाएं। ये पीछे आपके लगे हुए हैं, ये नहीं, ये अम्मी के नाना ही, उनके ऊपर जो यही वाले जो है, ये नहीं, ये अम्मी के नाना, ये अच्छा अच्छा देखिए जरा मैं दिखाना चाहूंगी, ये इनके अम्मी के नाना है और ये अमिताभ बच्चन के नाना है। हाँ। और ये कायदे आजम साहब अच्छा, हमारे फैमिली हाउस पे खड़े हुए हैं। ये फैसलाबाद में हमारी फैमिली का टाइटल दिया गया था जिना गार्ड। आपकी अम्मी के नाना जो हैं वो पॉलिटिक्स में थे? अम्मी के नाना भी जी, मेरे वालिद साहब भी, मेरे चाचा भी, अम्मी के सारी फैमिली। अब ये सारी फैमिली मेंबर्स का बेटा डिजाइनर बन रहा है, फिर क्या हुआ, खानदान वालों ने क्या किया? आपको खानदान वालों के साथ क्या हुआ कि क्योंकि अम्मी ने खुद मुझे पाला और अम्मी खुद भी बहुत इंडिपेंडेंट है, प्लस मेरे मामू मेरे साथ, सारे मेरे मामू बहुत हाँ। अच्छे हैं, बड़े सपोर्टिव हैं। तो डिजाइनर बनने का शौक भी जो था वो बड़ा मुश्किल शौक था क्योंकि मैं इस वक्त, आप याद रखें, हमारे पास पैसा नहीं था। हाँ। मैं रिक्शों में, रिक्शे के लिए पैसे जोड़ जोड़ के मैं तो कहीं पहुंचता था। हाँ। आधा वक्त मैं चलते हुए या किसी टांगे के ऊपर चढ़ गए, या लोगों को ये नहीं पता कि मैंने तो जॉब्स ऐसी की हुई है, मैंने ईंटें उठाई हुई है, मैंने ये पाकिस्तान में? बिल्कुल पाकिस्तान में। हाँ, हाँ। मैंने ट्यूशनें पढ़ाई हुई है, मैंने किस सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ाते थे? मैं इंग्लिश की पढ़ाता था और मैं मैथ्स की पढ़ाता था बच्चों को, मगर इंग्लिश की मैं बड़ी अच्छी पढ़ाता था। और मैं जब केमिस्ट्री भी अच्छी पढ़ना शुरू हो गया तो मैं केमिस्ट्री की भी पढ़ाता था, केमिस्ट्री में मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने की नहीं कॉलेज स्कूल में, नहीं पढ़ाई, पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था मुझे। मैं अम्मी ने हमेशा मुझे कहा था कि उठाने की नौकरी की ट्यूशन पढ़ाई, घर के मैंने पेंट किए हैं, घर के अंदर अपने घर का पेंट किया, दूसरे लोगों के घर पेंट किए हैं। आप सच कह रहे हैं? इतना पढ़ लिख कर और वो सारी चीजें? पढ़ लिखने के लिए पैसे कहाँ से आने थे? जब मैं फैशन स्कूल के अंदर मेरे हो भी गया था, दाखिला हो भी गया था, तो फैशन स्कूल के पैसे पूरे करने के लिए तो हमारे पास मामू शामू किसी से नहीं मांगे? अम्मी बहुत वो हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, और मेरे मामू दो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। उर्दू में कहते हैं खुददार, और अम्मी कहती हैं, और अम्मी अवश्य भी मुझे कहती हैं कि बेटा जो तो अपने खुद पांव पे खड़े होकर हासिल करोगे ना, उसकी जो लज्जत अलग होगी, वो अलग है, और टेस्टी अलग है, और उसकी जो दूसरे लोगों की पहचान भी होगी ना, वो तुम जब वो तुम्हें देखेंगे, वो जिस इज्जत की नजर से तुम्हें देखेंगे ना, वो तुम्हें और कोई भी नहीं देख सकता। हाँ, मरना खानदान वाले कभी कभार होते हैं ना, अवॉइड कर रहे होते हैं कि भाई चलो। और मैं कर भी रहा था फैशन जी। हाँ। वो दो कुछ लोग थे, ठीक थे, मगर सब तब उस वक्त कौन सी इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री नहीं थी। हाँ। तो क्या कर रहा था मैं, शिरू, मुझे प्यार से लोग शिरू कहते हैं, तो ओके शिरू क्या दर्जी बनने लगा है और वो करेगा क्या, और मैं फैशन स्कूल में। अम्मी ने नहीं कहा कि बेटा ये नहीं करो, देखो खानदान वाले ये कह रहे हैं? अम्मी ने मुझे पूछा था कि क्यों करना चाहते हो। हाँ। मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी मुझे अल्लाह ने ना एक जिंदगी जो दी है, फिर से ये एक नया, मेरे लिए तोहफा है ये, एक और ये है। और इस जिंदगी में बताया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ये मुझे रंग दिखाए हैं। हाँ। और अब जो मैं अम्मी को कहता था, अम्मी आप देख रही है ना ये चम्मच आप खा रही हैं, आपको ये सब चम्मच लग रहा है, मैं चम्मच खा रहा हूँ ना, मुझे चम्मच नजर आ रहा है, इसके अंदर जो लाइट शाइन कर रही है मेरे खाने के बाद वो मुझे आंखों में नजर आ रही है, मेरे लिए चम्मच एक ऐसी चीज है, एक कांटा एक ऐसी चीज है जो आपको नजर नहीं आ रही। मैं जो एक फूल को देख रहा हूँ ना, आप उसको स्मेल कर रही है, मुझे स्मेल तो आ ही रही है, मगर मैं उसके एक एक कलर को देख रहा हूँ, और उस तरह देख रहा हूँ जिस तरह एक प्यासा इंसान नहीं होता पानी को देख रहा होता है, मैं उस तरह देख रहा हूँ। ये अगर मैंने अपने किसी काम में जिंदगी के अंदर, दूसरे लोगों की जिंदगी के अंदर खूबसूरती ना लेके आ सका, तो मेरे इस गिफ्ट का कोई फायदा नहीं। फिर अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कहा वही करो जो तुम्हारा दिल करता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरे साथ गई फैशन स्कूल, उन्होंने बताया कि ये फीस है, अम्मी ने मेरी शक्ल देखी किस तरह करोगे। मैंने कहा अभी हम कर लेंगे। हाँ। मैं जॉब लूंगा, नया जमाने में था वहाँ, पेस एक दुकान हो रही थी वो खुल रही थी। हाँ। वहां मैंने उनके बोतलें भी ठीक करता था, उनके कैश काउंटर में लोगों को स्वाइप भी करता था, मेरे सारे दोस्त आते थे, मेरे सारे दोस्तों के आगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं सबको बताता था। जब उनकी पजेरोज और लैंड क्रूज अदारे होती थी और मैं बाहर रिक्शे में खड़ा होता, मैं कहता था नो गाइस डोंट वरी आई एम ओके, मुझे कभी किसी से शर्म नहीं थी कि मेरे पास कम है ना, मुझे कभी किसी से डर था कि मेरे घर पे अगर मैं 5 मरले की ऊपर वाली मंजिल के छोटे से कमरे में रह रहा हूँ और वो 7-5 किनाल के घर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरे लिए तो मेरा घर मेरा महल था, तो मैं हल्का सा भी नहीं हिलता था। मैं ये सबको कहता था कि यार जो मेरे स्कूल में ना, वॉच आउट, मैंने काम, मैंने मेहनत करनी है और मैंने कामयाब होना है, बिकॉज मैंने रुकना नहीं है। मैं और इसी वजह से दोस्त नहीं कभी हंस रहे होते थे क्या यार तुम क्या बातें करते हो, अब अभी आके मुझे कभी कहते हैं, मगर मैं इस तरह का पर्सनालिटी हूं ना कि आप आराम से मेरे पे हंस सके और मैं वापस लड़ू मत, तो मेरा हिम्मत नहीं होती ना थोड़ा,
एक थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी में है, थोड़ा एक बुर्दबार इंसान है कि थोड़ा सा कुछ कहते हुए डर लगता है कि हे महीना कट जाए कुछ कहना। देखिए माशाल्लाह आप अच्छी बात करते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं के बदतमीजी ना करूँ, मगर मैं ये जरूर चाहूंगा कि मुझसे भी कोई बदतमीजी ना करे। वाह वो इज्जत है। ये तो टेबल एक और पीस नजर आ गया मुझे, ये हर कदम कदम पे पीसेस हैं। तो ये टेबल भी बड़ी सिंपल है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये आप लोग मेरे सारे जो मेरी जो एक इमेज है ना, वो लोग कहेंगे कि ये तो ये सोफे जो होते हैं ना, आपको पता है जहाँ ट्रेन स्टेशन वगैरह जगह होती है वहाँ के खाली ये पड़े होते हैं सोफों की ये फ्रेम्स होती है, मैंने वहां से ये फ्रेम्स उठाए कुछ चंद हजारों के। अच्छा। गोल्ड स्प्रे पेंट लें और उसके ऊपर थोड़ा सा आप उसके अंदर पेंट मिक्स करें और उसको ये करें, और ये वेलवेट जो है ये आम वेलवेट आपको कहीं भी मिल जाएगा, और मतलब इसके साथ आप तो कुछ शो होने चाहिए इसके लिए और इसके साथ आप बना दें और ये सोफों के ये सोफे बन गए। ये आपको किसी डिजाइनर स्टोर पे नहीं मिलेगा, बिकॉज डिजाइनर स्टोर पे है ही नहीं, यहाँ मिलेगा बिकॉज मैंने खुद बनाए हुए हैं, मैं चीजें खुद ही बना लेता हूँ। लकड़ी का पीस भी आप इतनी जगहों पर जाएंगे जहाँ लकड़ी के पीसेस मिले होंगे, ये लकड़ी ना कटी हुई है ना कुछ है, इसको रफ कटा हुआ है कुछ भी नहीं, इसके ऊपर हमने इसको चेंज किया और नीचे एक मेटल का फ्रेम बना दिया। खूबसूरती मतलब? के लिए आपको अपनी अगर अपना दिमाग यूज करें तो आप कुछ भी बना सकते हैं। इसका मतलब खूबसूरती और जो घर का की सजावट है वो पैसे से नहीं आती, दिमाग से आती है, दिल से आती है, दिल से आती है, दिल से आती है। अगर आपको अपने दिल से यकीन हो कि आपकी चीज जो है वो बन के खूबसूरत लगेगी, मैं जब भी मेरे घर कोई आता है कभी कभी इसको एक्सप्लेन नहीं करता कहाँ से, मगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये भी कभी प्रटेंड नहीं करूंगा हाँ यार ये मैंने इटली से मंगवाया और ये, मैं बड़े शौक से बिल्कुल आप खुद बने। ये टेबल ये कुर्सी ये चीजें मुझे डिफाइन नहीं करती, ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरी पहचान है कि ये मैंने बनाई है अपनी मेहनत से। तो जब भी कोई आता है मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, आपको बताया अभी मैगजीन्स वाले आर्टिकल लिखते हैं घर के बारे में, मैंने बड़े शौक से और थोड़ा सा प्रटेंशियसली भी अपने लास्ट घर को मैंशन कहता था, कहता क्यों नहीं, शौक था पूरा करने के लिए, मगर लोग आके प्यार से इज्जत से जब देखते हैं तो उनको अच्छा इसलिए मेरे हाथ से लगता है कुछ घर प्यार से बना हुआ वो नजर आता है। तो मैं क्यों इतनी इंप्रेस हो रही थी आपको, मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं किस हद तक आती थी और वहां आके भी मुझे इतना सुकून मिलता था। तो मैं हसन को कहती थी मुझे आपका घर बहुत प्यारा लगता है, एक सुकून एंटर होती हूँ ना तो एक रिलैक्सेशन होती, थकी हारी आती हूँ ना कपड़े लेने जब शाम के टाइम आती हूँ ज्यादा, तो मैं मेरी थकन सारी उतर जाती क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। आइए मैं आपको ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ हर औरत जाके खो जाती है और मेरे ख्याल से कुछ मर्द भी जाके, क्योंकि जब बेगमान जो है वो कहती है ना मुझे तो यही खरीदना है तो मियाँ अपनी कमेटी निकाल के दे देता है और साथ में पास एक कमरा है भी जहाँ मियाँ भी जो है वो अपनी शेरवानियों कुर्ते ले सकते हैं। एग्जैक्टली, मियाँ नहीं भूलना चाहिए, मियाँ बोर नहीं होते फिर इसका क्यों। देखें जी फैशन तो हर इंसान के लिए, बच्चे के लिए भी है, आदमी के लिए भी, औरत के लिए, हर इंसान के लिए, किसका लेकिन हमें अभी यहाँ से आदमी और औरत के लिए नजर आएगा, बच्चे के लिए अभी इनके पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, बना देते हैं दोस्तों तो बना दूंगा ये अभी आपके बच्चों के नहीं बन सकते। आइए अच्छा ओ माय गॉड ये देखिए, ये एक ऐसी जगह है जिससे मैं कहूंगी हर लड़की का ख्वाब है कि वो अपनी शादी पे HSY पहने। हाँ, है ना, ये बहुत अच्छा ख्वाब है बहुत और अल्लाह हर लड़की को ये तौफीक अता करे कि वो HSY पहने। और कराची में भी हमें देखिए आप, ये देखिए और क्या हर तरफ से, हम सिर्फ लाहौर में सुने ये माशाल्लाह एक से एक जोड़ा, और बनाने में भी इस पे इतना खर्चा लगता होगा क्योंकि मुझे याद है आपने बताया था 6 महीने या पता नहीं कितने लगता है वो अड्डे पे कढ़ाइयां होने में, डिपेंड करता है पैसे कहाँ से आए बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, पैसे थे नहीं, या अच्छा सवाल पूछा, बहुत से लोग समझते हैं कि शुरू किसने किया, तो हुआ क्या कि फैशन स्कूल गया, जर्नी बता रहा था वहां, तीन तीन चार चार जॉब्स की, ग्रेजुएट किया टॉप ऑफ द क्लास, और उसके बाद जॉब ही ना मिले। 4 साल पढ़ने के बाद मैं डिजाइनर्स के पास गया, नाम नहीं लूंगा कि कुछ दोस्त भी हैं, मगर यहाँ कराची भी आया जॉब लेने के लिए, मगर कोई मुझे जॉब ही ना दे। क्या कहते क्या थे? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, लड़का इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। अच्छा। या हाँ तुम कोरियोग्राफर नहीं हो तो कोरियोग्राफी करते रहो, या एक डिजाइनर जिनका मैं नाम नहीं लूंगा उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त क्या था कि मैं ना सिर्फ काम कर रहा था मैं कोरियोग्राफी करना शुरू हो गया था। अच्छा। बिकॉज मुझे चांसेस मिल चुके थे मुसर्रत आपा, नीलुफर शाहिद, खावर रियाज, अतर शहजाद, इस तरह लोग मुझे थोड़ा सा आगे पुश कर रहे थे कि अच्छा। शोज डायरेक्ट कर लो। और मुझे क्योंकि म्यूजिक और जैसा आपको मैंने आपको कहा डिजाइन हर चीज मुझे पसंद थी, तो मैं शोज डायरेक्ट करना शुरू हो गया। एक डिजाइनर ने मुझे कहा कि
तुम्हारा नाम कुछ बनता जा रहा है, लोग एच एस वाई को एज अ शो डायरेक्टर जानना शुरू हो गए, हम नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ हमारे से डिफ्लेक्ट करो. और ये मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जिन्होंने मुझे कहा. मगर कुछ तो करना था. अब चार साल मैंने वहां से आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है ना, क्या करें, खत्म हो गया बाद क्या करें. और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मैंने हिम्मत ना हारी ना सिर्फ, और मैंने सोचा कि मैंने इसके बारे में कुछ करना है. तो मैं घर आया. अब मैं जितने पैसे मैं कमाया था स्कूल में सब खर्च हो चुके थे मेरे जेब में, मेरा से 2500 रुपए से थोड़े से ज्यादा थे, यानी कि मे बी 2700-2500 मेरे पास थे खर्चने के लिए. I told my mother के मैंने डिजाइनर बनना है. मुझे याद है डेट क्या थी, 5th December था, सर्दियों का दग था, अभी पूरी सर्दी चढ़ी नहीं थी. मैंने किसी और डिजाइनर के साथ दो बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन किया था, मगर मैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और उनके पास थे, मैं उनके साथ भी मैं कोई उन्हीं होल्ड ग्रज नहीं होल्ड करता. उन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे कि तुम हमारे साथ काम करो. तो मैं घर आया, मैंने कहा अम्मी हमारा मेरा लेबर का नाम होगा HSY, मेरा नाम हसन शहरयार यासीन है. शायद हर बंदा दुनिया में कह ना सके, मगर मैं HSY कहूंगा. जहाँ जाएंगे उनको पता होगा कि हसन शहरयार यासीन एक पाकिस्तानी ब्रांड है. अम्मी का बनाना कि तुम किस तरह, मैंने कहा आप माइंड ना कीजिए कि मैंने आपके सारे पर्दे काटने हैं और आपकी बेडशीट्स और आपके जो ये जो बेड ये जो स्प्रेड्स हैं और ये मैं अम्मी कहते हैं क्योंकि पागल हो गया. मैंने कहा आप मुझे बस करने दें, मैं आपको प्रॉमिस करूंगा आपको इससे ज्यादा खूबसूरत चीजें बना के वापस दूंगा. मैं अनारकली गया, मेरे पास एक रॉकेट की मशीन थी जो इस तरह चलने वाली नहीं होती. अच्छा? उसके अंदर 2000 रुपए की मशीन लगी, जो पांव वाली नहीं होती पेडल मशीन. हाँ? वो मैंने बना ली. और बाकी उत्तर जाने के और आने के कुछ पैसे थे, कुछ थोड़े पैसे रह गए, उसे मैंने कैंची ली, थोड़ा सा धागा लिया, एक दो तीन फुट्टे लिए, पहले फुट्टे मेरे पास पड़े हुए थे कुछ, मैं फैशन स्कूल में था. और रस्ते मैंने एक मास्टर साहब को कहा कि मास्टर साहब मैं आपको महीने की 7000 रुपए सैलरी दूंगा, आप मुझे ज्वाइन कर लें. 7000 तो मेरे पास आस पास नहीं थे, मगर मैं आपको पहले 2 महीने आपको के दूंगा IOU, यानी कि IOU money. So he's like, अच्छा, मैंने कहा पर आपको नहीं पता मैं कामयाब होऊंगा. तो he's like, आगे मैंने कहा कि कपड़ा कितने जी, कपड़ा दिखाओ. मैंने कहा ये देखो जी पर्दे उतारे. उन्होंने कहा ये बंदा तो बिल्कुल पागल है. मैंने कहा नहीं मैं हम बनाएंगे. हाँ. इसके साथ जोड़ तोड़ करके, कुछ मुझे स्टिचिंग तो आती थी, कटिंग भी आती थी, मैं उनके साथ लगा रहा कट कटा के. हाँ. मैंने 5 नमूने टाइप कोई आउटफिट्स बना दिया, मतलब वेस्टर्न बनाए थे कुछ इस तरह, गाउन सॉर्ट ऑफ गाउन्स थे, शर्ट्स थी, कुछ पटियाला सलवार एंड शॉर्ट लिटिल जैकेट्स थी, कूल थे अपने जमाने के लिए. वो काफी देर पहले की बात कर रहा हूँ. और बना लिया. अब मेरी बहन के दो दोस्त थे, एक था अतर और एक था शहजाद. और मैंने शहजाद को फोन किया, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरे भाइयों की तरह है दोनों. मैंने कहा शहजाद यार एक शूट करना है, और अभी वो भी शुरू हो रहे थे. उसने कहा अच्छा, तो यार मैंने कहा मेरे पास मॉडल शॉडल के तो कोई पैसे नहीं है. मेरी मेरी एक दोस्त है, बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, नहीं वो मॉडलिंग करना चाह रही है. अच्छा. बड़ी प्यारी है, आई थिंक उसका बड़ा फ्यूचर होगा, मैं उससे मिलाता हूँ, उसका नाम है ईमान अली. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मिलाना जरूर. मैंने ईमान को फोन किया, ईमान ने कहा हाँ ऑफ कोर्स मैं करने के लिए तैयार हूँ. और ईमान हमेशा से ऐसी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उसके साथ. जो मैंने पहला शो भी डायरेक्ट किया था ना, मैं आपको उसके बताता हूँ. एनीवे शूट हुआ. और शूट होने के बाद मैंने सारे मैगजीन्स को पहले तो प्रिंट बना के नेगेटिव आके मैंने सबको भेज दिया. मैंने कहा हाय आई एम हसन HSY, आई एम अ डिजाइनर, आप प्लीज मेरे देखें. अगले महीने मेरे 5 covers निकल आए. पांच कवर्स. और मेरे छोटा सा नंबर जो दिया हुआ था, जो मैं घर पे जो कोई बचता नहीं था, बचना शुरू हो गया. सुनिए तो दोबारा ऑर्डर मिले होंगे तो पर्दे कहाँ से लाए होंगे आप? वो कपड़े पर्दे लेने के तो आते नहीं थे, वो तो तस्वीर देख के आ जाते थे और कहते क्या है. मैं कहती मेरे पास कुछ नहीं है. हाँ. सैंपल है. मैं कहती मेरे पास कोई सैंपल नहीं है. मगर मैं बताऊँ मेरे पास क्या, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक पेपर है, और मैं आपको ड्रॉ करके जो आप चाहेंगी मैं इस तरह आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा. मेरी ड्रॉइंग अच्छी थी और मैं प्रैक्टिस करता रहता था. एक और चीज, जो भी आपका फन है आप उसको प्रैक्टिस करते रहे. मैं आज तक प्रैक्टिस करता हूँ और मैं ड्रॉ कर करके करके बताता था. और फिर मैं मास्टर के साथ जोड़ तोड़ करके पैसे लगा के कहते थे इतने का हो जाएगा अगर आप चाहें तो. और फिर जोड़ों के साथ साथ एक कस्टमर सर्विस और एक जो दोस्ती होना शुरू हो गई. आप जो बात करते ना, क्लाइंट कहता हूँ हाँ बस ये तो खरीद लो. आई डोंट नो, अब मार्केटियर भी अच्छे मुझे लग रहे हैं. अब मार्केटिंग अपनी खुद कर रहे हैं. मैं अपनी मार्केटिंग नहीं, मैं अपनी अपना सच जी रहा हूँ. आई थिंक वो मार्केटिंग सही होती है जो सच्ची हो. अगर आप किसी को कहें कि वाह इस ब्यूटीफुल ब्लू द्वार को देखो, तो बंदा कहेगा ये मार्केटिंग आई डी, मतलब है तो ब्लू नहीं है तो व्हाइट है. मगर आपको कहें ये व्हाइट सुची द्वार है और ये मोटी अच्छी ताजी द्वार है और ये वेट उठा सकती है, आप कहेंगे हाँ ये सच है. बिकॉज सच जो है ना उससे बेहतर मार्केटिंग को हो नहीं सकती. तो जो
लोग आना शुरू हुए तो उसी तरह, और तब मेरी दोस्तियां आना शुरू हो गई थी जब मैंने पहला शो भी डायरेक्ट किया था 1994 में, मैं एक छोटा सा बच्चा था, मैंने पहला शो डायरेक्ट किया था, मुझे अभी तक याद है। हम शो पे गए, मेरी बहन मॉडल थी, वो अपने दो दोस्तों को लेके आई, एक उसकी बड़ी दोस्त थी कनेड की विनी, और एक उसकी बहन थी आयशा, उनके साथ एक उनकी एक और दोस्त आई हुई थी जो पीछे नोट्स लिख रही थी, और माय मॉडल खत्म हो गया। मैंने कहा यार आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम जीक्यू है। मैंने कहा आप मॉडल करेंगी? उसने कहा हाँ जी मैं कर लूंगी। फिर हमारी लड़कियां कम हो गई, फिर हम अफशा ने कहा मेरी एक और दोस्त है, वो मेरी भी दोस्त थी और बचपन की दोस्त है, हमने उसको फोन किया। मैंने कहा आमना हक यार तूने करनी है मॉडलिंग? उसने कहा मैं भी पहुंच जाती हूँ। पीछे एक जनाब आली छोटा सा कैमरा लेके थोड़ा सा एडवाइस कर रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे। मैंने कहा कैसे हैं, आपका नाम क्या? मैंने कहा जी मेरा नाम खाबर रियाज है। मैंने कहा सलामकुम जी मेरा नाम हसन शहरयार है, मैं ये शो डायरेक्ट करने लगा हूँ। इसी तरह हमारी ये इंडस्ट्री बढ़ी। वहाँ एक पहली दफ़ा एक बैक स्टेज पे एक एक्ट्रेस आई हुई थी, उनकी अभी मूवी निकलने लगी थी, और वो बहुत ही अच्छा मज़े के बोलती थी और बड़ी बहुत ही मुझे हंसा रही थी। उनका नाम था रेशम, और उससे मेरी दोस्ती हो गई। इस तरह करके हमारी इंडस्ट्री बढ़ी हुई है। आज लोग कहते हैं कि यार ये मैं अपने आप को, लोग मुझे किंग ऑफ कुटोर या पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते हैं, मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मगर मैं इस जर्नी का एक हिस्सा हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में तब आया था जब इंडस्ट्री थी नहीं, डिजाइनर्स क्या मैगजीन चल रहा था, मजा आ रहा बता रहे ना, मैंने उसको उठाया तो वजी क्यों निकली वो तो आमना और इन लोगों ने, और मैं इनका किसी का क्रेडिट नहीं लूंगा, इन सब ने अपनी मेहनत से काम किया, मगर ये जो मेहनत का जो दौर था और जो खड़े होके अपने आप को प्रूव करने का दौर था, ये हमें इसकी वापस आज भी जरूरत है। जरूरत है। और यही दौर की वजह से आज जो ये बड़े नाम जो हैं, मुझे मैंने बड़े नामों को आते हुए देखा जी, चढ़ते हुए देखा है, और उतने नामों को तबाह होके गायब होते हुए देखा है। बिकॉज दो चीजें हैं, मेहनत करते रहो और गरूर बिल्कुल भी ना करो। जिसने गरूर किया उसको मैंने तबाह होते हुए देखा है। मैंने देखा है डिजाइनर्स को कि वो पिन्ने करके आ रहे होते हैं, तीन फैशन वीक के बाद इस तरह चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें पहनी होती हैं, और इतने कूल होते हैं, और लोग कहते हैं नहीं मैं ये नहीं, मैं तुम्हारे काम को लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे गुरूर और तुम्हारे एटीट्यूड को नहीं। और ये चीज तबाह कर जाती है बहुत से लोगों को। हमें सबको शौक है, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कि जुमा जुमा 8 दिन हम एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएं, हमारी तस्वीरें लग जाएं, इधर भी लग जाएं उधर भी लग जाएं, हर बंदा स्लिंग्स यू नो किलिंग हैशटैग रेड कार्पेट जीनियस ब्ला ब्ला। ये नहीं है, आपकी ऑडियंस बड़ी समझदार है। ये लोग जो देख रहे हैं टेलीविजन में, ये हमसे बहुत ज्यादा होशियार हैं, बहुत ज्यादा हर चीज देख रहे हैं, और उनकी बड़ी अच्छी अवेयरनेस है। आपने अगर इनकी इज्जत अगर कमानी है ना, तो उनको अच्छा काम करके दें, सच्चा काम करके दें, उन प्राइसेस पे और उस तरीके से जो वो खरीद भी सकें और पहन भी सकें। मैं जब कपड़े बनाता हूँ, मैं ये नहीं सोचता, हम कुछ दिखाते हैं ना, जरा दुल्हनों वाले जोड़े दिखाते हैं। देखिए हमारे कपड़ों पे आप नोट करेंगे, स्लीव्स नेकलाइन ऐसी होगी कि आप जब पहने तो आपकी वालदा भी खुश रहे। मैं यही बात नोट करती हूँ एक, कि कभी भी मुझे आपके कपड़े पहन के ये नहीं होता कि ये छुपा रही हूँ मैं, वो छुपा रही हूँ। हर चीज पे, चाहे ये हो गया स्लीव स्लीव स्लीव, हमारी कोशिश होती है, अगर क्रॉप भी होता है उसके ऊपर हम ऑर्गेन्जा की जैकेट देंगे। बिकॉज मैं बड़ा हुआ हूँ दो औरतों के साथ, मेरी माँ और मेरी बहन ने मुझे बड़ा किया। मैं अगर उनको उस तरह के कपड़े पहनना नहीं चाहूंगा तो मैं दूसरे लोगों को क्यों पहनाऊँ? और प्लस हमारा कल्चर और हमारा मजहब को मद्देनजर रखते हुए हमें चीजें करनी चाहिए। फैशन ये नहीं है कि हर चीज दिखाओ, फैशन है मिस्ट्री, और इंसान के अंदर एक मिस्ट्री रहनी चाहिए। हकीकत है, हकीकत ये देखे ना, मतलब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मैं बाकायदा एक एक चीज निकाल के इस तरह देखती हूँ, सुकून मिलता है। पता नहीं, आई डोंट नो कि आप नहीं पहन भी रहे तो आप खाली देख भी रहे तो आपको इतना सुकून मिल रहा होता है। आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें, मुझे भी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी लोगों को खूबसूरत खूबसूरत बना देख बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी मुझे लगता है कि लोगों को खूबसूरत जब अच्छे कपड़े पहने हो, एक इंसान की मूड भी चेंज हो जाता है, एक खुशी एक कॉन्फिडेंस आती है, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे बेहतर पेश आते हैं। और आपने नोट किया होगा हमारा सारा जो काम है उस साथ के ऊपर हाथ का काम है। एक हमारे जो चीज जिसको हम रिस्पेक्ट करने की बड़ी जरूरत है ना, वो हमारे कारीगर हैं। हमारे कारीगर जो है वो हमारी इंडस्ट्री है, और हमारे कारीगर जो है ना, अगर उनसे हम काम छीन लेंगे और मशीनों पे बनाना शुरू कर देंगे तो वो हमारी ये सारी जो कल्चर और आर्ट है ना, वो तबाह हो जाएगी। हम लोग हर चीज हाथ से बनाते हैं, हर चीज। और अच्छा, एक एक बहुत मैं ये परेशान होती हूँ देख के, कि ये जो कपड़ा है इतना नाजुक कपड़ा होता है, मगर इस पे इतना काम गुथा हुआ काम होता है, तो ये कैसे क्या करते हैं ऐसे कपड़े को? आपको पता है यही एक टैलेंट होता है एक अच्छे कारीगर के। और अगर मैं एक अपने आप को डिजाइनर समझता हूँ ना जी,
तो मैं डिजाइनर सिर्फ 50% हूँ. 50% जो है बाकी वो मेरे कारीगर्स हैं, मेरे मेरी टीम है, मेरी मेरे हमारे जो दर्जी हैं. मैं शायद 50% भी नहीं हूँ. हमारे कंपनी पे तो जब मुझसे बात होती है ना, मुझे शेयर कहते हैं शेरू साहब ये देखें शेरू साहब, वो अगर HSY कहना तो कहते हैं मैं हूँ HSY. हर बच्चा मेरे ऑफिस में वो समझता है और वो है HSY बिकॉज उसी ने मुझे सिखाया है कि ये जो पतला कपड़ा है उसके ऊपर ये टांका किस तरह रहेगा, ये जो बिल्कुल पतला शिफॉन है उसके ऊपर हम क्रिस्टल लगाएंगे तो कैसे कपड़ा नहीं चलेगा. मैंने फैशन स्कूल में बड़ा कुछ सीखा है, मगर मैंने सबसे ज्यादा सीखा है अपने लोगों से जिन्होंने मुझे अपने फैक्ट्रियों पे, मेरे कारखानों पे, दूसरे लोगों के कारखानों पे जिन्होंने मुझे सिखाया. मैं उनके वो ना होते मैं आप पूरी टीम लेकर चलते हैं. बिल्कुल है ना? मैं ना टीम लेकर चलता हूँ, मेरी फैमिली की तरह है. अब उनके देखिए जी 25 साल से 18-19 साल से तो मैं ये काम कर रहा हूँ. मैं कोशिश रखता हूँ कि मुझे पता हो कि मेरे जो टीम के अंदर भी लोग हैं उनके फैमिली कैसी है, जितना मैं कोशिश कर सकूं वक्त निकालने की कोशिश करता हूं बिकॉज वो एक अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन जो होती है ना वो सिर्फ मेरी बिजनेस के लिए रिच नहीं है. अच्छा, वो मेरे लिए रिच है. सारी बातें सब जो लोग सुन रहे होंगे ना, जो शायद सकता है वो माएं आपको पहली दफा देख रही होंगी तो वो कह रही होंगी कितनी अच्छी माँ ने इसकी परवरिश की है, कितना प्यारा बोलता है, कितना तमीज वाला बच्चा है. तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस बच्चे की अम्मा से मिलते हैं. हाँ, मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा इस दफा. आइए जी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में ब्रेक के बाद HSY की अम्मी मेरे साथ होंगे. मैं उनसे पहली दफा मिलने वाली हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको भी होना चाहिए. एक अच्छा बच्चा पालने के लिए क्या क्या टिप्स चाहिए एक माँ को, ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे. गुड मॉर्निंग. तो ये पैनलिंग भी जो इस तरह की चीजें जो है ना, ये घर के अंदर एक बड़ी सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करती हैं. और ये पेंटिंग्स, अब पेंटिंग्स मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी. शिंगलियर्स मुझे बहुत नजर आ रहे हैं आपके घर. शौक है शिंगलियर्स? हाँ, ओह गॉड, मुझे शैंडलियर्स और चमक. आपको पता है मुझे, अगर मैं कुटोर किंग ना होता तो मैं ब्लिंक किंग होता. मुझे ब्लिंक चीजें और चमकती हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है. ये कितना मजे का आइडिया है, है ना? ये बता, ये लैंप है, ये लैंप को तोड़ के मैंने इतना ऊपर लगा दिया. वही देख रही हूँ, मैं हैरान हो रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम. आपको हिचकियां तो नहीं आ रही थी? हमने आपकी इतनी सारी बातें की हैं. नहीं, मैं कोशिश कर रही थी, मैंने कुछ आधी बातें सुनी आधी मुझे अब पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है. अब आप शो देखिएगा ना जब रिपीट में, फिर आपको पता चलेगा हमने आपके बारे में क्या क्या बातें की. माशाल्लाह आपके बेटे का इतना नाम है और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे. तो सही है, आज हसन की वजह से आपका नाम आप रोशन. मेरा नाम रोशन है, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है. और ये मेरी सारी उम्र की अर्निंग है, कमाई है ये बच्चा. Exactly. कैसे थे बचपन में, ये बच्चा सीरियस था या बड़ा तंग करने वाला बच्चा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं तंग करता था. मुझे बड़ा फिक्र था कि शायद मैं इसको डांटती हूँ, ये तंग क्यों नहीं करता. फिर मैंने अपने कजन वगैरह से पूछा कि एम आई बीइंग वेरी हार्ड ऑन माय सन, दे सेड नो, बट ही वाज सच अ कोऑपरेटिव चाइल्ड, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता था. अच्छा. मैं जब जॉब भी कर रही थी और जाना भी मैंने और आना भी है, लेकिन जो मैं से कह जाती थी वो कर लेता था. तो क्या कभी कहती थी आपके तुम खाना निकाल के गर्म कर लेना, ऐसे खा लेना, ये करना? हाँ, नहीं, खाने के इंस्ट्रक्शन हमेशा होते थे बिकॉज अम्मी की कभी ऐसा होता था कि अम्मी सुबह भी काम कर रही होती थी तो जब दोपहर को आती थी तो तब मैं स्कूल में होता था. फिर उनकी शाम को स्कूल में भी होती थी, यूनिवर्सिटी भी जा रही थी, पढ़ भी रही थी. तो जब मैं शाम को आता था अम्मी नहीं होती थी तो इंस्ट्रक्शन छोड़ चुकी होती थी. मैं एक बात यहाँ ये पूछना चाहूंगी आपसे कि अक्सर हमारी जो औरतें हैं जो मेडिकल भी पढ़ती हैं, डॉक्टर भी बनती हैं, टीचिंग भी करी होती हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं ना वो सब सारा काम छोड़ देती हैं. वो कहती हैं बस हमने अपने बच्चे के ऊपर नजर रखनी है और वो बच्चे के ऊपर रहती है. आप काम कर रही हैं, आप सब कर रही हैं, लेकिन बच्चा अच्छा पल गया. मेरे पास मोटिव एक था कि मैंने काम इतना काम करना है, इतना कंफर्टेबल रखना है अपने आप को भी और अपने बच्चे को, इतना रखना है कि ही शुड बी सेल्फ सफिशिएंट व्हेन ही ग्रोज अप. तो मेरा असल जो था ना सारा मकसद, ये मकसद वो ये था. मैं आपसे ये टिप लेना चाह रही हूँ कि अगर माँ काम करती है तो बच्चे को अच्छा कैसे पाल सकते हैं, क्या क्या टिप? पालने के लिए थोड़ा सा अपने लाइफ को और अपने टाइमिंग को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. अच्छा. और बच्चों को ट्रेंड भी करना पड़ता है. ही वाज लिटिल किड, आई विल टेल हिम कि शुरू ये करना है, ये नहीं करना. आई वाज वेरी लकी कि ये फॉलो करता था. प्लस आई थिंक हमारी जो रिलेशनशिप थी वो मैंने नोट किया है, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, मगर जब मैं यहाँ वापस घर आया था, पाकिस्तान मेरे लिए घर है, मगर मेरे लिए काफी चीजें नहीं थी. वहां मैंने ये भी चीज देखी थी कि हम अपने बच्चों को जो मेजर नजर आए थे बहुत ज्यादा शेल्टर करते हैं. हर चीज से बचा रहे होते हैं. और खाने भी खुद डाल के निकाल, खाना भी और इतना बेबी करते थे बच्चे को, स्पेशली बेटों को, कि मेरा लाडला, मेरा ये नहीं करना, वो नहीं करना, रूल्स भी करने, रूल्स तोड़ भी देंगे मगर कुछ कहना नहीं है.
हमारी भी इस तरह की रिलेशनशिप थी नहीं, उसूली जिंदगी थी। अम्मी बहुत मुझे एज अ पर्सन बात करती थी। जब मैं छोटे उम्र का भी था मुझे याद है, अम्मी मुझे बताती थी कि बेटा देखो ये सिचुएशन है, अगर पैसों की सिचुएशन हो, टाइम की सिचुएशन हो, हमारे पास क्या है क्या नहीं सिचुएशन हो, वो मुझे एज अ पर्सन बोलती थी कि ये सिचुएशन है। अम्मी कहती है कि मैं शरारती नहीं था, आई डोंट थिंक कि मैं नहीं ऐसा नहीं कि मुझे शरारती का मतलब ये है कि डिसिप्लिन को पता है कि डू दिस एंड डोंट डू दिस, वो उसको फॉलो करता था। झूठ नहीं बोलता था, मैं झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैं आगे बता भी देता था कि मैंने कुछ गलत किया है। सबसे नंबर वन थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय फादर एंड आई टोल्ड माय चिल्ड्रन आल्सो कि झूठ, वो मेरे वाले सब कहते थे झूठ का जो लफ्ज है ना वो गाली है, तो वी यूज्ड टू फील वेरी स्केर्ड, ओ माय गॉड बेटा झूठ नहीं बोलना, कहते ना, और अगर आपको कुछ झूठ बोलता लगे ना उसे कहते हैं शायद आपको गलती लगी, शायद ये ऐसे नहीं था, उसको झूठा ना कहना ताकि उसका उसकी बेइज्जती ना हो। सो आई फॉलोड एंड डिड दिस माई सेल्फ एंड आई पास्ड इट ऑन टू देम एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमें कभी भी मुझे ना शेरू को मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत पड़ी है ना मैंने कभी इसके साथ गलत बात की है, नहीं करनी। उस वक्त जब ये छोटे थे तब आपको कुछ ऐसी चीज नजर आती थी जैसे ये क्रिएटिव है माशाल्लाह हर चीज में, तब भी कोई ऐसी चीज थी इनके अंदर जो आपको लगता था बहुत अच्छा कलर करते हैं या ड्राइंग? बेटा मुझे ड्राइंग ये करता था जब उसको होमवर्क मिलता था ना, कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही होमवर्क करता था एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि तुमने ये तुम्हारा काम है जस्ट टू चेक ऑन हिम, ही विल डू इट हिमसेल्फ। तो जो साइडिंग होती थी ना जो पेपर की साइड होती है उसके ऊपर ये तस्वीरें बनाता था, हैट्स बना देता था, कभी अम्ब्रेला, कभी बटरफ्लाई, कभी फ्लावर, और वो उस पर कलर करके ले और स्कूल ले जाता था। तो आई वॉज सो वरीड, सो मैंने इसके काउंसलर को फ़ोन किया बिकॉज आई वॉज सो वरी बिजी, आई कुड नॉट गो वेरी ऑफन। तो मैंने इसको काउंसलर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये शेरू चीज़ें बना बना के ला रहे हैं अपने होमवर्क की कॉपियों के ऊपर और आप उसको मना नहीं कर रहे, आप उसको ये दे रहे हैं। उसने कहा था ये तो हमने उसको होमवर्क कर दिया है, लेकिन वी आर नेवर एवर डिस्करेज हिम बिकॉज देयर इज एन आर्टिस्ट इन हिम। इसके काउंसलर ने मुझे कहा मैंने, ही वाज इन फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड, हम लोग अम्मी बाहर काम कर रही थी तो हम लोग स्कूल में था। मैं बहुत लकी भी था कि मेरे इर्द के जो लोग थे वो बड़े सपोर्टिव थे कि ये पाकिस्तानी बच्चा है और ये काम कर रहा है, दिमाग पढ़ रही है। बहुत ज्यादा एक्चुअली अम्मी का बहुत ज़्यादा पुश था। मुझे याद है कि जब मैं घर आता था मैं साइंस की चीज़ें लेके आया, मुझे साइंस का तो बड़ा शौक था कि वो ट्यूब्स ला के मिक्स करना है, मगर अम्मी साथ मुझे एक आर्ट का किट भी ला के दे देती थी। आपको याद है आपने मुझे एक दी थी वो पेंट का बॉक्सेस, मैंने घोड़ा भी पेंट किया था, आपको याद है? साल लगा था मुझे। अच्छा शेरू, आपके सारे कपड़े तो शेरू ही डिजाइन करता है, तो शौक होता है कपड़े? नहीं तो मेरे आपके तो बेटा है ये, तो जब अभी तो अब तो ये डिजाइनर बन गया और हमारा वर्कशॉप भी है और हमारे पास स्टूडियो भी है। जब ये डिजाइनिंग स्कूल में भी था ना तब भी ये मैं इसको ये मुझे कलर देता था कि मामा दिस कलर। अम्मी ने बड़े जोम को सहने पड़े, कोई जब मैं बच्चा था तो मुझे कुछ आता भी नहीं था ना, मैं जोड़ तोड़ करके ये इसके साथ अपने क्या कोई रंग बिरंगा कटन की जालियां में उतार लेता था, कर्टन्स की जालियां होता हां उतार लेता था, और मेरे दुपट्टे ने जो मैंने रंगवाने के लिए रखे होते थे उनको अपनी मर्जी का रंगा के उसके ड्रेस भी बना देता। हमें कहते थे तुम क्या कर रहे हो, और जब मेरे पास बहुत कम होता था तब वैसे मैं बीट शीट लेके जोड़ के ग्लू के साथ लेके, मैं कहता हूँ ये देखिए इयररिंग्स बनाए मैंने आपके लिए, मैं कहती हूँ अच्छा, मैंने कहा आपको पहनने पड़ेंगे, पर अम्मी पहन लेती थी। बट मेरी माँ मेरी शहजादी है, ये मेरी बस ये मेरी ताकत है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि जब ये सिक्स ग्रेड में था और इसने सीनियर स्कूल में जाना था तो तब आई वॉज वेरी वरीड कि पता नहीं इसका जो, क्योंकि एक वो होता है ना कि आपको मिलता है तो आप सीनियर स्कूल के लिए जाते हैं जी जी जी। तो मैंने तब भी इसके काउंसलर को और इसके टीचर्स को फ़ोन किया कि आई एम सो सॉरी मैं काम कर रही हूँ और मैं रात को पढ़ती हूँ तो मुझे आप बताएं कि शेरू के क्या ग्रेड जाएंगे। तो उसने कहा जी हम आपको तब बताएंगे जब आप आएंगे, तो आप बस वो ग्रेड के पता नहीं क्या बताएंगे। मैं गई तो उन्होंने स्टेज पर मेरे लिए कुर्सी रखी हुई थी एंड ही वाज ऑन द डीन लिस्ट ऑन अ रोल, ऑल सारे एज आए थे मेरे, इन्होंने मुझे कहा कि ये है ये बैठे ये है आपके ग्रेड्स, यानी कि आप एकेडमिकली भी उतने ही स्ट्रांग। तो ये मेरी पढ़ाई में मैं काफी स्ट्रांग था। अम्मा काम करिए मेहनत करिए बच्चे के लिए कमाऊंगी, उसकी थकन नहीं हुई ना, उसकी थकन नहीं हुई। मगर आपको पता है जब पेरेंट, ये आप बाकी पेरेंट्स के लिए भी है, जब एक पेरेंट थोड़ा सा ट्रस्ट करता है ना अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि हर बच्चा गलतियां करता है, थोड़ा सा ट्रस्ट करता है, थोड़ी सी ढील देता है, हर चीज़ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं चल सकती, तो जो बच्चा, और फिर वो बच्चा जब वो चीज़ों पर कभी गिरता है
नहीं समझ सकता, वापस आता है अपने अपने पेरेंट के पास और वो एक ट्रस्ट से आपको कहता है कि यार देखो मैं ये काम कर रहा हूँ तुम्हें थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा, आपको एक लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, आई थिंक एक हर इंसान के अंदर एक समझ होती है कि यार व्हेन माय पेरेंट इज डूइंग सो मच फॉर मी आई एम आल्सो गोइंग टू गिव बैक, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कैन आई गिव गेट बेटर ग्रेड्स, व्हाट आप क्या चाहेंगी, आई कैन आई बी अ बेटर स्टूडेंट, मैं हाँ मुझे रात को मैंने ये पॉइंट मैंने यहाँ से पकड़ा है कि अगर माँ खुद मेहनत मजदूरी करी तो बच्चा देख रहा होता है उसको, बिल्कुल ये कह रहा होता है कि मेरे लिए इतना कुछ करी मैं इसको क्या दूं कि ये खुश हो जाए, तो माँ को क्या चाहिए होता है। मेरे लिए सबसे बड़ा जो ऑनर है ना, मैंने कभी इन पे एहसान नहीं किया कि मैं कर रही हूँ, देखो बातें कर रहे हैं ना, बता रहे हैं आपको, मुझे आई ऑलवेज थॉट के हमारे अक्सर ही होता है ना, माँ कहती है तुम्हारी खातिर मैंने ये किया, दिस इज माय प्राइड। और एक बात मैंने इसको जो कही थी जो आज तक इंशाल्लाह मेरे साथ चल रही है, वो मैंने इसे कहा था कि तुमसे कभी गलती हो जाए तो बता देना। अब मैं बता देता हूँ, मैं आज भी बता देता हूँ, और मेरी बहन भी ऐसी है, हम तीन हैं, मेरी बहन भी ऐसी है, उससे भी गलती होता है, वो भी, और मैं उसको भी बता देता हूँ, मुझे बता, और मैं उसको ब्रांड नहीं करती कि ओह, मैं कहती हूँ अच्छा हो गया ना, कि यही वजह थी, अब आइंदा नहीं करना, बस बात खत्म हो गई। अच्छा बहन के बारे में बताएं, एक भाई एक बहन, बस मैं दो बहन भाई, बहन का नाम अफशा, अफशा आपसे बड़ी है कि आपसे छोटी? नहीं मुझसे बड़ी है, देखने में तो मुझे बहुत ही छोटी लगती है, मेरी बहन मेरे ख्याल से तो दुनिया के लोग पता नहीं कहना चाहिए, मगर मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, आई थिंक शी इज ब्यूटीफुल, शी इज एलिगेंट, बहुत ही मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, उसने अभी अभी अपनी पहली किताब लिखी है, एंड इट्स गोइंग टू बी आउट इन पाकिस्तान सून, इट्स कॉल्ड कमिंग होम, एंड शी इज मेरे लिए तो बहुत बड़ी फोर्स है, और ना सिर्फ फोर्स है मगर मेरे लिए एक मेरी म्यूज भी है, बिकॉज अफशा जिस तरह तैयार होती है, जिस तरह उसका एलिगेंस है, शी यूज्ड टू मॉडल पहले एज वेल, तो अफशा की एस्थेटिक्स भी वैसी ही है जैसे बहुत बहुत मेरी जैसी है, मगर अफशा ये बच्चों में कहां से आई चीज, ये तो माँ बाप से आती है, ये चीज किस में थी, आप में या इनके अब्बू में, किस में थी ये चीज की इतनी नफासत हर चीज में, क्रिएटिविटी, ये तो कहते हैं ना कि बाप की या माँ की उंगलियां लंबी है तो बच्चा भी के भी किसी की होती है, आर्टिस्टिक होता है, ये थोड़ा कह सकती हूँ कि मेरी वजह से हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ, ये बताया, मगर ये भी आई गाइडेड देम, दे अम्मी गाइड, यू नो अम्मी एंड अबू आर आल्सो कजिन्स, माय नानी एंड माय दादी वर सिस्टर्स, अच्छा, सो शायद एक ब्लड लाइन लग दे रही आ गया, ये चल रही आ जी, सो बट आई थिंक आल्सो मैं समझता हूँ कि मेरे और मेरी बहन के अंदर क्यों है कि हमें हम कल्चरली बहुत अवेयर थे, हमें म्यूजियम्स पे पेंटिंग्स आर्ट दिखाने का देखने का अम्मी ने शौक बहुत पहले पैदा किया हुआ था, मेरी बहन के अंदर बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही कल्चरल है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखती है, उसको शौक है कि अगर कोई कहीं फ्लावर के प्रिंट्स लगे हुए हैं या कोई गार्डन में कुछ हुआ है वो जाके जरूर देखे, इस वक्त भी वो गर्मियों में जहाँ सब लोग लंदन भागते हैं और यहाँ भागते हैं, अब से स्विट्जरलैंड गई हुई है अपने बच्चों को पहाड़ दिखाने, वो है इस तरह की, वो उसको बहुत शौक है कि वो कल्चर सीखे, मैंने भी ज्यादा कल्चर उसी से सीखा है। ये पूछना चाहूंगी आपसे कि होता है ना कि इन बाहर रहता है जो लड़का उसको खाना बनाने आते हैं, हसन कह रहे हैं मुझे खाना नहीं बनाने आते, नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे शौक भी नहीं है, सर्वाइवल के लिए शायद ऑमलेट बना ले तो है ना, बना ले तो होगा, लेकिन आपने कभी कुछ पका के खिलाया है इनको? अमेरिका में खिलाया, अमेरिका में मैंने खिलाया इनको, मैं शाम को कुकिंग करके और फिर मैं फ्रिज के ऊपर लिख के लगाती थी कि इस फ्रिज में ये चीजें मैं रख के जा रही हूँ और फिर उसमें से आप ये निकाल सकते हैं, अंग्रेजी माएं जो होती है ये माइक्रोवेव के लिए ये चीजें ये आप माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, और ये मैं कर जाती थी, और जो छुरी कांटा जो किचन में होता था वो सब लॉक करके जाती थी कि बच्चे अपना हाथ ना काट लें, प्याज ना काट लें, वो आई यूज टू लॉक थिंग्स व्हिच आई थॉट कैन डैमेज देम, ओनली माइक्रोवेव जो था वो खुला होता था, 4, 5, 6 years old. I mean, we were very young when Ammi was working. तो आप अकेले कर रहे होते थे सब कुछ? हाँ, I mean, we would put them together. बेटी भी, बेटी तो नहीं थी उस वक्त, आपकी बहन तो आपके पास नहीं थी? अफशा was with us. अच्छा अच्छा अच्छा. But you know, Afsha also is बड़ी केयर टेकर है, वो हर चीज बड़ी ऑर्गेनाइज है, मैं अफशा के जब घर जाता हूँ, मेरी बहन दुबई में रहती है, अच्छा, तो जब मैं जाता हूँ तो वो हर चीज मुझे पता होता है, अभी आप लंच भी मिल जाएगा, अभी इस तरह भी हो जाएगा, खुद कर रही होती है, घर पे भी कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं, हाँ, अफशा का घर बहुत खूबसूरत है, शी इज अ ब्यूटीफुल होम, शी हैज लवली एस्थेटिक्स, अफशा जरा सी फर्क मुझे इस तरह है कि वो जरा, मैं बहुत आउट स्पोकन हूँ, वो जरा कम है, वो जरा कम बोलती है, रिजर्व्ड है, हाँ कम बोलती है, आप तीनों में सबसे ज्यादा कौन बोलता है?
डिपेंड करता है जी, मैं किसके साथ बैठी हूँ, हर एक के साथ मैं बहुत नहीं बोलती हूँ. नहीं नहीं, लेकिन जो हम तीनों बैठे हैं, अफशां बैठी हूँ, हसन बैठे हूँ और आप बैठी. अच्छा, हम तीनों बैठे हूँ, तब मैं और अफशां बोल बोल के पागल हो जाएंगे. बोल रहे होते हैं, मैं और अफशां अम्मी सुन रही होती हैं और मैं और अफशां का हर चीज के ऊपर ओपिनियन होता है. अम्मी किसका नाम लेंगे, ओ याद स्टोरी याद आएगी. अम्मी कहेंगे खाना, ओ इस तरह बनाना चाहिए. मैं और अफशां बहुत क्लोज हैं. अच्छा, सुन रही होती हूँ. कभी अम्मी के बारे में बातें कर रहे होंगे, मेरे को पता नहीं होगा. अच्छा, अम्मी गुस्से वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं. अम्मी का लिमिट वो क्या है, पैमाना क्या है गुस्से का? जब चुप हो जाती है ना, और जब इधर उधर देखना शुरू होती है, पता होता है कि यार जूते आ रही है या किसी ने कोई दरवाजा जोर से लगने लगा था, हम थोड़ा सा खुद ही चुप हो जाते हैं. ये गुस्से वाले हैं हसन? कभी कभी. किस चीज पे ज्यादा इनको गुस्सा आता है? कोई झूठ बोले इसके साथ. अच्छा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता. कोई झूठ बोले और गलत बयान नहीं करे और प्रॉमिस करे और नहीं करे तो फिर देन ही रिएक्ट्स. अच्छा, भूख लगती है तो क्या जो भी सामने हो वो खा सकते हैं या नखरे हैं खाने में? नहीं, घर में तो नखरा है. घर में तो नखरा है, इसलिए कि एजे है. एजे नोज हाउ टू हैंडल हिज फूड. अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ वहाँ गए हो, ट्रेवल कर रहे हो, फिर नखरा नहीं करता. फिर नखरा नहीं करता. नखरा नहीं कर रहा होता तो उसको पहले ही पता होता है. मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ अपने खाने के बारे में. आपने सच्ची सही आपने गेस किया. फिर वो कर लेता है. खाना मुझे सही ना मिले और सही वक्त पे ना मिले तो मेरा मूड जो ऑफ होता है. वो कोई और किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले ही सोच लेता हूँ, अच्छा इस दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे तो इधर खाना है, इधर पीना है. होता है तो एक लिस्ट बन के मेरे पास आती है, इसके लिए इसने ये सैलड्स खाएगा, ये फिश खाएगा, ये ट्यूना के आज ने ये करना है. मैं आधा वक्त कराची में रहता हूँ अपने घर पे और आधा वक्त अम्मी के साथ लाहौर में रहता हूँ. हाँ. तो मैं आगे पीछे जाता हूँ. लाहौर जाने से पहले एक लिस्ट चली जाती है कि 6 बजे, 8 बजे, 11 बजे. कम्स टू मी, हमारा एक फ्रिज होता है, वो हम इसके लिए ऑर्गेनाइज कर देते हैं. यू कैन आस्क एनीथिंग एनी टाइम. और इसी तरह का जो हमारे पास कम भी था ना, तब भी मैं काफी खाने में बहुत स्पॉइल्ड था. अच्छा. हाँ, मैं अम्मी को कहता था जो मर्जी हो जाए, मैंने तो मैश पोटेटोज खाने ही खाने हैं. आप चाहे हो या ना हो तो अम्मी. हाँ. किसी कहते हैं कि अच्छा फिर मैंने एक डब्बा लिया उसके अंदर पानी डाल के तो बना लोगे? मैंने कहा बना लूंगा मगर मैश पोटेटोज आज होंगे. हाँ, मैं जिद्दी थोड़ा था. जिद्दी तो अभी भी थोड़ा सा हूँ. फजूल खर्च है, पैसे बचाते हैं या पैसे बहुत उड़ाते हैं? अम्मी के साथ अम्मा को शिकायतें होती हैं ये बच्चों. एक तो पैसा उड़ाता हूँ ना, ज़ाया करना, ये ज़ाया नहीं करता लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है. एनीबॉडी इन ट्रबल, एनीबॉडी नीड्स एनी मनी, कुछ 4 मांगे तो उसको 8 भी दे सकता है. अम्मा वो तो मुश्किल में है, फिर मुझे कहेगा अम्मा ये भी दे दें उसको, कोई बात नहीं, मुश्किल में है. सो ही इज़ वेरी केयर. जो मुश्किल में लोग होते हैं ना, उनकी बहुत मदद करता है. और ट्रैवलिंग का शौक है. और ट्रैवलिंग करता है. इसमें जो पैसे लगते हैं वो लग बात है. तो ये कमाता है और फिर लगाता है. लेकिन ये पैसे जिंदगी यही है. वैसे पैसे फेंकता नहीं है. हाँ. बट नीडी की जरूर मदद करता. मदद करता. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इतनी मजे की बातें हो रही है. हसन के बारे में और बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है और मैं जितना इनके बारे में जानती जा रही हूँ, मैं उतनी उनकी फैन होती जा रही हूँ. एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन शहरयार यासीन, जिन्हें आप HSY के नाम से जानते हैं, उनके घर उनकी अम्मी के साथ. इतनी सारी मज़े की बातें हो रही हैं और एक्चुअली सही तौर पे मुझे हसन को जानने का मौका आज मिल रहा है, इनकी फर्स्ट हैंड नॉलेज. वैसे तो मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं लेकिन पहली दफ़ा इनके सामने बैठ के इनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है. अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि इनको किन किन बातों पर आज तक डांट पिटती है? बचपन के अलावा आज तक आप किन किन बातों पे इनको डांटती हैं? कम डांटती हूँ इसको. कम डांटती हैं? कम डांटती हूँ. हाँ. लेकिन जब इसका देर तक जाग रहा हो तो मैं अपसेट होती हूँ कि ये सो क्यों नहीं रहा, इसने हार्ड वर्क, डेज आर ऑलवेज वेरी यू नो बिजी. छोटा सा कह रही हैं, लेट नाइट जागा हूं तो फौरन फोन आया था. हाँ. और मैं कराची भी हूँ, हम इन्होंने जासूस छोड़े हैं हर जगह. अच्छा, जासूस हर जगह है. ये कोई कोई जासूस से पूछ लेती हैं? नहीं, कुछ जासूस, वो कोई ना कोई बंदा गायब हो रहा होता है घर से और एकदम से नया बंदा आता है, उसके कोई ना कनेक्शन लाहौर से जरूर होगा. अभी भी मुझे पता चला कि मेरा ड्राइवर अभी चेंज हुआ है, तो वो जरूर उसके घर के कनेक्शन होंगे. और ड्राइवरों का हमेशा पता होता है. अम्मी को मुझे देखता हूँ रात को 1:30 बजे वापस आ रहा हूँ तो फोन मैसेज हो रहा होता है, बाजी यू नो गोइंग होम नाउ. फिर अम्मी का फोन आता है, बेटा किधर हो? मुझे पता होता है कि मुझे पकड़ने वाला हूँ कि अम्मी मैं सड़क पे हूँ. अच्छा, आप वो वाली अम्मी है जो लड़कियों की तस्वीरें दिखाती हैं, ये देखो तुम्हारे साथ कैसी लगेगी, ये देखो तुम्हारे साथ कैसी, नहीं 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 नहीं, शादी कर लो, ये वो अम्मा की चीजें. इट इज हिज लाइफ. हाँ, एंड ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज अ ग्रोन अप.
So whatever he wants, I will follow it. Haan. I just want to be there for him whenever he wants. Haan. No pushing. No. बहुत सारी जो सहेलियाँ होती हैं अम्मी की, वो भी तो बड़े अपने नंबर बढ़ा रही होती हैं. किसी की बेटी होती है, बहुत अच्छा बेटा कमाता है. मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, दे नो मी बाय नाउ एंड देन दे सो दे डू नॉट पुश मी आल्सो. अच्छा. हाँ, क्योंकि वो सारी सहेलियाँ मिलकर एक साथ जमा हो जाती हैं, चलो हसन के लिए लड़की ढूंढते हैं. शुरू शुरू में कुछ और ये अभी भी होता है, है ना? अभी भी होता है, अभी भी होता और है. ये हर वक्त होता है. और जब किसी शादी पे चला जाऊँ तो तब तो बहुत ज्यादा होता है. पुनिया हमारी हसन, वो देखो हसन. अम्मी और अम्मी के जो स्पेशली जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स है वो तो ऐसी नहीं है, मगर कुछ फैमिली में ऐसे लोग हैं जो बेटा जरा बात सुनना, और एक मुझे पता होगा कि ये अटैक होने वाला है. वो आपको लहजे से पता चल जाता है बेटा जरा बात सुनना. हाँ बेटा, जब बड़े बड़े मजे की एक बात बतानी थी तो मैंने कहा अच्छा बड़े मजे की बात, मुझे पता है आप कहाँ लेके जा रहे हैं, और मुझे पता भी था कि ये अटैक कहाँ होने वाला है या कहाँ नहीं होने वाला. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अगर ये रिश्ते का सीन चला और आप किसी लड़की को देखने उसके घर गए स्पेशली? नहीं, वो वाला सीन कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ. आपको पता, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे किसी कजन के साथ भी ऐसा नहीं हुआ. हमारे घर में ये रिवाज कभी है ही नहीं कि लड़कियों को देखें, कि देखने जाएं. कोई बात होती है यूजली अगर वो मिलते भी हैं तो किसी पब्लिक स्पेस पे या किसी शादी वादी पे कहीं इस तरह की मुलाकात हो जाती है, एंड देन हमारे बड़े यूजली बैक अवे कि नाउ इट्स अप टू द किड्स कि वहाँ जाना देखना. ये मैंने मेरे सारे किसी मामू के किसी बच्चों के साथ भी हुआ, मेरे किसी मैं किसी आई डोंट थिंक मेरे किसी कजिन के साथ ऐसा भी हुआ. मेरे हिसाब से बेटियों में बड़ी एक बाइज्जत रिश्ता होता है, उससे प्यारा रिश्ता है ही नहीं. मेरी भी बेटी है और मैं भी एक बेटी की माँ हूँ. कोई आपको देखने आए और आपको मिलके और चला जाए और जाके कहे कि नहीं जी उसकी तो कद छोटा सी, उसके बाल लंबे सी, जिस तखारे में इतना आप ऐसी, दिस इज गिविंग डिस्ग्रेस टू एनीबॉडीज डॉटर. तो मेरे ख्याल ये हमारे रिवाज ही नहीं है. हमारे घर में बिल्कुल रिवाज नहीं. और हम लोग बड़े बेटियों वाले हैं, मेरे मामू की 5 बेटियां हैं. मेरे मामू जो आर्मी में, मेरे एक मामू एयरफोर्स में, उनकी भी 2 बेटियां हैं. मेरी बहन है. मैं अगर मुझे कोई कहे, और मैं देखिए हर बंदे का अलग तरीका तो होगा, मैं किसी को पुट डाउन नहीं करना चाहूंगा, मगर अगर जब मेरी बहन की जब शादी नहीं हुई थी, अगर मुझे कोई फोन करके अम्मी को कहती है कि कोई अफशा को देखने आए रहा है, या एक तो कभी मानती ना, मगर मुझे पता भी चलता मैं तो पागल हो जाता. बिकॉज मैं, मेरी बहन मेरी एक इंसान है. हाँ. जितनी मेरी बहन के लिए मेरी इज्जत है, मेरी शायद किसी और के लिए नहीं है. हाँ. कौन आके उसको जज करने के लिए आ रहे हैं? कैसे हो सकता है? हम अपने बेटों में कैसे डालें औरत की इज्जत? क्या ऐसा एक्ट करें, क्या ऐसी नसीहत करें कि हमारे बेटों में औरत की इज्जत आदमी को इक्वली ट्रीट करें? मैं आपको बताता हूं, इट स्टार्ट्स विद द मदर. आई थिंक जो माँ ने बच्चे को सिखा दिया है ना, बच्चे ने 90% वो सीख जाना है. वो सीख जाना है बेटा, उसको उसके कानों में पड़ी ना आवाज. बिल्कुल, बिकॉज जो माँ ने आपको बेटे को बताना छोड़ा है ना, ये मेरी, दिस इज हाउ यू नीड टू रिस्पेक्ट मी, दिस इज हाउ यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सिस्टर और द वुमन, दैट इज हाउ द बॉय विल रिस्पेक्ट. दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मदर कि उसको बच्चों को इज्जत करने, औरत की इज्जत करने के लिए पहले उनसे अपनी इज्जत करवाएं और फिर उनको बताएं कि औरत बड़ी एक बाइज्जत रिश्ता है, इसका ख्याल करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ घरों में वालिद और वालदा की जब झगड़ा होता है तो वालिद चीखते हैं या माँ पे हाथ उठाते हैं तो वो बच्चा ग्रैस्प कर रहा होता है, खुद स्पंज की तरह होता है जाहिर है बच्चा, तो फिर वो अपनी बीवी के साथ यही कर रहा होता है. मैंने देखे, हमने जिंदगी में दूसरे लोगों की भी लड़ाइयाँ देखी हुई हैं, चीजें भी देखी हुई हैं, मगर हमारा जब हमारे दोस्त भी कभी डिस्कस करते हैं कि हसन तुम इस तरह हाउ डू यू हैव दिस रिलेशनशिप, अम्मी कभी वो उस चीज़ को बच्चों को इग्नोर करते हैं कि शायद बच्चे ने देखा नहीं या उस बच्चे को अफेक्ट नहीं कर रहा. एक बच्चा जितना होता है, जितना उसके दिमाग एक स्पंज होता है, बड़ों का भी नहीं होता. वो एक एक चीज़ देख रहा होता है. बच्चे के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखना कि टेल मी अबाउट योर फीलिंग्स, तुम्हें किस तरह फील हुआ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ या मैं तुम्हें बताता हूँ. घर फर्स्ट स्कूल है, बच्चे का फर्स्ट स्कूल है. जब वो अपनी माँ की गोद से उतर के चलना शुरू करता है, उसका स्कूलिंग शुरू हो जाती है. तो उस स्कूलिंग को अगर आप में रिस्पेक्ट सिखाई जाए, वो कभी अपनी बीवी को नहीं मारेगा और बदतमीजी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, जैसे माशाल्लाह आप ये खुद बहुत अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, हमेशा हर जगह अलग सेंस ऑफ स्टाइल और वो नजर आता है, एक यूनिकनेस नजर आती है. तो बचपन में भी जब आप इनके कपड़े वपड़े खरीदती थी उस पर भी चूंचा होती थी, मैंने नहीं पहनना, ये चुभने वाला है. आपने एक चीज नोट की होगी. हाँ, आपके आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की, पर आपने नोट किया होगा कि मैं हमेशा, मेरे कपड़े सबसे सिंपल होते हैं, शायद इसलिए मैं शायद ज्यादा देखता हूँ. या मैंने काला कुर्ता शलवार पहना होगा. हाँ. या काली शेरवानी पहनी होगी या काला सूट पहना होगा.
मैं कुछ उठ पटांग नहीं पहनता, मैंने बहुत कढ़ाइयों वाले कपड़े नहीं पहने, कभी नहीं देखा होगा मुझे। मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी, चाहे मैं अपने कपड़े भी जब बनाता हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि मैं जब अंदर आऊँ तो ऐसे हो तो वैसे हो, जब मैं शादी अंदर आऊँ तो ऐसे हो, मैं हमेशा क्लाइंट को भी वही एडवाइस दूंगा जो मैं अपने आप को देता हूँ। हाँ। मुझे एक बात याद आई, यू शुड वॉक इन फर्स्ट, सॉरी मामी, यू शुड वॉक इन फर्स्ट, योर क्लोथ्स आपके पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी है, मगर आपको टेक ओवर नहीं करना चाहिए। सॉरी आपको ये नहीं, गो अहेड, यू डोंट नो दिस, मे बी मैं नाम जस्ट टेलिंग यू कि जब मैं ये कुछ साल डेढ़ साल का हो गया जिसने चलना सीख लिया था और थोड़ा थोड़ा बोलता था, तो मैंने कोई पिंक रंग की साड़ी पहनी, भुट्टो साहब के घर डिनर था और बड़े मैंने प्लेन साड़ी और वो नहीं जूड़ा लगाते थे पुराने जमाने में, वो जूड़ा लगा के, एंड आई वॉज गोइंग टू दैट वी आई पी थिंग, मेरा कलर कदाफी आया था या क्या कुछ इस तरह का कोई था इवेंट, ही केम इन टू द रूम and he looked at me and he kept looking at me and not ever like this ke koi bachcha dekh raha hai, and he came and he touched me, he says how nice and I was really in tears and I said is bachche ko meri ye saadi aur main nazar aa gayi hu, he is so young and he said mama how nice, तुझे नहीं पता इस बात का, अल्लाह की थी पुरानी बात और उनको ये याद रह गई बात है, और मैंने दिल में पता क्या सोचा कि ये बच्चा बड़ा हो के आर्टिस्ट बनेगा, इफ ही कैन अंडरस्टैंड अ कलर एंड ड्रेसिंग अप एंड ही सेइंग हाउ नाइस एंड इज वन एंड अ हाफ ओनली, ही इज गोइंग टू बी अ डिजाइनर व्हिच आई नेवर टोल्ड यू बिफोर। आई थैंक यू, आई फील दैट हर चीज अप्रिशिएट होनी चाहिए, और प्लस आपने नोट किया होगा हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली लोग एक दूसरे की तारीफ ज्यादा नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। मैं उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट हूँ, मैं हल्की सी मेरे को चीज लगे मुझे लगता है कि मैं जाके बताऊं जरूर, अप्रिशिएट जरूर करूं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बड़ा जरूरी है, मगर एक चीज को अप्रिशिएट करना भी बड़ा जरूरी है। मैं मुझे पता है आप अंदर आई, मैंने कहा बड़ी अच्छी लग रही है, अगर नहीं अच्छी लग रही मैं कुछ ना कहता, मगर लग रही है तो मैं कहूंगा जरूर, कहना चाहिए। अच्छा मैंने आपको हंसते देखा है, लेकिन जाहिर है हर स्टेज अलग होता है, कभी इंसान डिप्रेस भी होता है, तो क्या बहुत जब आप दुखी होते हैं अपनी एक्सप्रेशन का इजहार किस तरह करते हैं, क्या रोते हैं? हसन वो शख्स है, हसन वो इंसान है कि जो रोता भी अकेले में, या फिर अम्मा के कंधे पे सर रख के रोते? नहीं, अम्मा के कंधे पे नहीं, ये मैं अम्मी आई थिंक एग्री करेंगी, मैं मेरी माँ मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है, मगर मैं हमेशा से अपने आप को अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जितना मैं स्ट्रांग होऊंगा, जितनी मेरे अंदर ताकत होगी उतनी मैं ताकत आगे दे सकूंगा, तो मैं बहुत कम इमोशन का इजहार करता हूँ रोते हुए। हाँ, जब अकेला होऊंगा तो शायद मैं एक दो आंसू, मगर मैं वीकनेस से, कोई रोना वीकनेस है नहीं, इट्स एन इमोशन, मैं समझता हूँ कि जो करते हैं, मगर मैं क्योंकि बहुत अब मैं थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल कभी होता हूँ, मगर मैं यूजली अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं वो अपने फैमिली के पास ही वापस जाता हूँ, अम्मी के पास भी और अपनी बहन के पास भी। अच्छा। मैं अपनी बहन से भी उतना ही क्लोज हूँ, अम्मी के पास मैं जाऊँगा, अक्षा बाहर रहती है, मगर मैं उसको फौरन फोन करके हमारी कोई 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन होगी, वो भी मुझे बड़ा समझाएगी, एक्सप्लेन करेगी। अम्मी की हमेशा ये राह रही है कि, और अक्षा की भी, कि किसी की जिंदगी तुमसे वर्स ऑफ है और तुम्हें दूसरे लोगों को जरूर देखना चाहिए अपनी जिंदगी को कंपेयर करके, और ग्रेटफुल रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर बहुत सी प्रॉब्लम हो गई तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो फैमिली के अंदर कोई बंदा हर चीज फिक्स ना हो सके। और मैं इसलिए अपनी फैमिली के साथ ना सिर्फ बहुत क्लोज हूँ मगर डिपेंडेंट भी बहुत हूँ। हसन का पहला चेक, पहला चेक या पहला कैश जो हसन ने अपनी मेहनत से कमाई की हो, चाहे वो कोई भी काम हो, मैं मुझे याद है उसे किया क्या? उसे किया क्या? नहीं, उसे क्या किया और वो कितने का था? अच्छा, मुझे ये याद है कि तकरीबन कितने का था, मैं आपको याद है ना, $29 का था या $32 का था, क्या किया था ऐसा कुछ था ना, मुझे ये याद है कि मैंने लिया क्या था तब। अम्मी उस दोनों में, ये मैं अमेरिका में था, आई थिंक मैं 6th या 7th grade में था। अच्छा। मैं एक लाइब्रेरी में काम कर रहा था स्कूल के बाद, बिकॉज स्कूल तक तो उस वक्त इजाजत नहीं होती थी काम करने की। हाँ। स्कूल के बाद मैं एक लाइब्रेरी में काम करता था, मैं एक बर्गर जगह पे मैं बर्गर्स भी फ्लिप करता था। अच्छा। जहाँ नौकरी मिल गई। हाँ। वीकेंड्स पे जाके, मगर आपको याद है मैं लाइब्रेरी में काम करता था, तो मुझे महीने की, हाँ बिल्कुल याद है मुझे, तब डेसिमल सिस्टम और पता नहीं क्या क्या सिस्टम क्या करके, और किताबें रखनी पड़ती थी वापस, तंग हो जाता था। और प्लस मेरी बहन को पढ़ने का शौक था, मुझे तो बुक्स पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था, तो अक्षा कहते कि तुम फजूल, तुम्हें ऐसी जॉब ले ली जहाँ मिजल मिलनी चाहिए थी, मुझे पढ़ने का शौक है। और मुझे $32, अमीन आपको याद होगा, $32 था,
और मुझे मिला था और अम्मी को ब्रोचेस का बड़ा शौक था. 1980s की बात है. हाँ 1980s लेट 80s की बात है. तो मैं हाँ मुझे याद है और मैं लेन ब्रायंट स्टोर का नाम था मुझे ये भी याद है. लेन ब्रायंट आपको बड़ा शौक अब बंद हो चुका है. मॉल में था और आप और मैं और अफशाम आ गए थे और आपने एक ब्रोच के आगे अब खड़ी नहीं थी काफ़ी देर के लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मगर आपके पास $32 नहीं थे तो मुझे $32 मिले और मैंने जाके वो ब्रोच लिया अम्मी के लिए. वो इन टीयर्स आई वाज क्राइंग. आई केप्ट टेलिंग हिम ये तुमने क्या किया. ही सेड मैंने ये कमाई इसलिए थे कि आपको ये ब्रोच देने हैं. तो अभी मैं कभी बहुत अम्मी का सभी भी पहनती हूँ मेरे पास हैं. आई पहनती हूँ संभाल के रखा. स्वेटर खूब लगाती हूँ कभी नहीं है. कभी अपनी जैकेट को लगा हो गए. मैं ये सोच रही हूं जब मेरा बेटा मुझे कमा के कुछ देगा. नो दैट ब्रोच इज वेरी स्पेशल फॉर मी. इट्स वेरी स्पेशल. इसमें चार पर्ल पांच पर्ल ऐसे लगे हुए हैं. हां एंड बहुत खूबसूरत है. एक वो बनी हुई है और वो मेरे बहुत स्पेशल है मेरे लिए. जो मर्जी मेरे पास हो वो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ज्वेलरी आई हैव. ओह या एंड आई यू रिमेंबर है ना. अच्छा गिफ्ट्स क्या देते रहते हैं आपको. ये तो पहला गिफ्ट हो गया ना कि आपको पहला अपनी कमाई से ब्रोच खरीद के दिया. वैसे आपको आपकी बर्थडे होती है शूज बैग्स फ्लावर्स शौक है. अम्मी को दो चीजों का शौक है. अम्मी को क्रिकेट का शौक है. अम्मी को सारे मोहल्ले को बुला के क्रिकेट का फेस पेंट करो ग्रीन लगाओ. अम्मी पाकिस्तान की टीम खेल रही है. अम्मी पागल हो जाती है. हमारे सारे घर में सारे पागल होते हैं. वर्ल्ड कप पे तो कोई मुसीबत बन चुकी थी घर के अंदर. उनको ये शौक है. उनको गजलों का शौक है और किताबें पढ़ने का और स्पेशली शेर व शायरी का बड़ा शौक है. तो हमारे घर में बहुत ज्यादा आते हैं लोग पढ़ने के लिए. अम्मी के बहुत से दोस्त हैं जो राइटर्स भी हैं. आपको किस चीज का शौक है. कपड़े डिजाइन करने के अलावा मुझे दुनिया देखने का शौक है. ट्रैवलिंग का मुझे मैं समझता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ ना ये एक मेरा पैशन है. मगर मेरा पैशन जो है उसके अंदर एक नई जिंदगी लाने के लिए उसको अलाइव रखने के लिए मुझे नई चीजें देखनी है. बिकॉज हर चीज को देखते हुए मैं और इंस्पायर होता हूँ. तो मुझे अगर मैं चीजें ना देख रहा हूँ दुनिया ना देख रहा हूँ. मैं कई रिसर्च पढ़ रही थी जो ट्रैवलिंग है ना जो वेकेशन है छुट्टी है वो आपकी लाइफ के स्पैन को बड़ा करती है. नहीं अच्छा? इससे बड़ी लर्निंग फील्ड कोई नहीं. कोई नहीं है. लेकिन ये अभी नई रिसर्च है लेकिन कि इंसान की जो भी हैसियत हो उस हिसाब से वेकेशन खोल के आंखें खोल के ट्रैवल करें. ये नहीं कि आंखें बंद करके नहीं. टू लर्न व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. एक सवाल मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि आपने इतनी मेहनत की इतना काम किया जब जिस जमाने में आपके बच्चा ग्रो कर रहे थे आपके बच्चे ग्रो कर रहे थे दोनों. हसन ने कब आपको कहा बस अम्मी बहुत काम कर लिया अब आप घर में बैठे. मैं हूं ना. अम्मी आज भी काम करती हैं. हाँ हाँ अम्मी आज भी काम करती हैं. आज भी हमारी जो पूरी प्रोडक्शन है जहाँ भी हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस पूरी प्रोडक्शन की हेड जो है वो मेरी वालदा है. और आज भी वो उतनी मेहनत से काम कर रही हैं और आज मेरे से ज्यादा पहले उठती हैं ऑफिस मुझसे पहले पहुंचती हैं मेरे यूजली मेरे बाद वापस आती हैं. अम्मी ने कभी भी काम रोका नहीं. और मैं समझता हूँ कि अगर अम्मी मेरे साथ ना होती तो मैं इस जगह पे जिंदगी में क्या मैं इस काम में भी ना पहुँच चुका होता. बिकॉज मैं सॉरी आपके लिए बोली जा रहा हूँ. अम्मी के अंदर एक 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 खास पावर है. एक खास अल्लाह ने एक गिफ्ट दिया है तो हर इंसान को फैमिली बना लेती हैं. और हमारे लिए जो सारे लोग जो काम भी कर रहे होते हैं चाहे कुछ अम्मी को फैशन के बारे में कुछ नहीं पता. मैं अम्मी को साफ हूँ आगे कह दूंगा. I don't want to know because I don't want to interfere in his वो उनको शौक नहीं है. मुझे जो कागज देता है एम्ब्रॉयडरी के कुछ ज्यादा शौक नहीं है. मगर अम्मी को पता है कि नफासत कौन सी है. अम्मी को पता है कि काम सब लोग क्यों नहीं कर रहे किस तरह नहीं हो रहा. अगर कोई मसला है तो उस मसले को हल किस तरह करना है. अगर फैब्रिक है तो उसके अंदर कोई मसला है तो उसको किस तरह ठीक करना है. और हमारी सारी टीम इंक्लूडिंग मैं हम सब अम्मी को उतना ही अम्मी समझते जितना मैं और अक्षय समझते हैं. प्यार से आप सब लोग क्या कहते हैं अम्मी को. या मामा कहते हैं या आंटी कहते हैं या बाजी कहते हैं मगर ज्यादातर सारे मामा कहते हैं. आप कहते हैं तो रानी कहा जाता है. अम्मी का निकनेम रानी है. आपको बताओ मेरी लास्ट कलेक्शन जो मेरी 25 साल की कलेक्शन थी अम्मी के नाम पे की थी. रानी कलेक्शन वो अम्मी के नाम पे थी. और लाल थी. मैंने कहा जिंदगी में क्या चीजें मैंने हासिल की है इज्जत हासिल की वो अम्मी की वजह से तो रानी. और मैंने जिंदगी में रंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ. कौन सा रंग था वो लाल. लड़कों तो अपनी माँ की इज्जत करो माँ की कदर करो तो बन माँ की नहीं हर औरत की इज्जत करो. हर औरत की इज्जत करो. आजकल बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है और मैं समझता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए कि विदाउट आवर मदर्स एंड सिस्टर्स आवर वाइव्स आवर डॉटर्स We're nothing. Yeah. We're nothing.
मुझे लगता है जो नौजवान हैं उनको ये लग रहा होगा कि मेहनत ही हर चीज़ की चाबी है, यानी कि अगर कामयाबी की कोई चाबी है, कोई कुंजी है, तो वो मेहनत है. कि यहाँ आज इंटरव्यू सुनकर हमें बाकायदा जानने का मौका मिल रहा है. हम हसन की और उनकी अम्मी के साथ बातें कर रहे हैं. जब आप मशहूर हो जाते हैं ना, फिर आपका आपके जो ख़ानदान वाले हैं वो चाहते हैं अच्छा जी शादी में भी आ जाएं आप, हमारे हमारे बच्चे की सालगिरह, हमारे बच्चे का अकीका है, आप उधर भी आ जाएं. और फिर वहाँ आप VIP गेस्ट होते हैं क्योंकि आप सेलिब्रिटी होते हैं. तो क्या ये खानदान की शादियों में ये जाते हैं या अच्छा, तो... सबसे पहले तो शादियों में तो मैं बहुत कम जाता हूँ. अच्छा. फर्स्ट कजन की क्लोज शादियों से चला जाता हूँ. मगर ये मैं अपने फैमिली के लिए जरूर कहूँगा कि मेरी फैमिली में मैं तब भी शेरू था. हाँ. और अभी भी शेरू ही हूँ. मेरे कजन्स मुझे और सारे मेरे बड़े भी सब कुछ मुझे शेरू ही ट्रीट करते हैं. बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे क्या लगता है मेरी फैमिली में मुझसे ज्यादा बड़ा मेरी माँ है. बिकॉज अम्मी है भी बड़ी, सबके साथ उनकी दोस्ती भी है, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं. तो अम्मी जो है ना वो बड़ी स्टार है. हाँ, डांस करने का मुझे बड़ा शौक है. हर मेहंदी पे, हर मेहंदियों पर मैं डांस कर चुका हूँ. मगर मैं भागता इसलिए बिकॉज मेरी फैमिली नहीं, मेरे सारे कजन्स, मेरे मामू अम्मी के कजन्स जो हैं, जिनको मैं सारे मामू चाचा सबको खाला समझता हूँ, वो तो मेरे साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ अपने फैमिली के साथ. हमारी फैमिली है भी बहुत बड़ी. हम ज़्यादातर हर आई हैं और बहुत एक दूसरे को मिलने का शौक है. आई लव माई फैमिली. मगर कुछ होते ना बहुत दूर के रिलेटिव, वहाँ मैं फंसता हूँ. बिकॉज वो आके वो सबसे पहले तो तस्वीर तो होगी होगी, विच इज फाइन, कोई बात नहीं. मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, मैं तो खुश होता हूँ. देखें कोई मुझसे तस्वीर खींचना चाह रहा है कि मौके सबको तो नहीं मिलते. हाँ. मगर जब कहते ना बेटा तो कैसे ये जा रहा है, मैच हो रहा है इसके साथ. अच्छा कलर रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड. अच्छा एडवर्टाइज अंकल भी होंगे जिनको मैं नहीं था जान जाऊंगा कि अल्लाह बरखुदा माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये सूट के साथ ये पैंट्स ठीक है. तब मैं फंस जाता था. मैं कहता हूँ मम्मी आप मुझे अगर फैशन एडवाइस देनी पड़ेगी ना तो ये फिर मैं आई डोंट माइंड गिविंग इट. मगर कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप सारे रस्में और सारी चीजें मिस कर जाते हैं. बट जब सब तक अब सारे कजन सारे बड़े हो गए, जब हमारे कजन्स की सबकी शादियां हो रही थी तब तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं तो जब खानदान के करीबी लोगों की शादी थी तो सब हसन बना रहे थे सबके कपड़े. ज्यादातर अभी तो होता है ज्यादातर एंड आई लव इट. मुझे बहुत मजा आता है. पूरे खानदान ने पहने. मेरी सारी कजन्स जो हैं वो मेरी बहनों की तरह है. हम लोग बहुत क्लोज हैं. कुछ अमेरिका में अब रहती हैं, कुछ कराची में रहती हैं, कुछ ग्लास्को में रह रही हैं. मगर हम सारे इकट्ठे करीब बहुत हैं. अच्छा अम्मी अगर नाराज हो जाती हैं हसन से तो अम्मी को मनाने का तरीका क्या है? अम्मी को मनाने का कोई, अम्मी 5 मिनट में ठीक हो जाती हैं. वाकई? अम्मी अच्छा, दो तीन उनके आंसू निकलते हैं उसका मतलब है कि अब तुम लाइन क्रॉस कर चुके हो. मैं अगर एक अम्मी का आंसू देख लूं मैं वहीं खत्म हो जाता हूँ. तो वहीं अम्मी माफ कर दें, प्लीज माफ कर दें. अम्मी को पता होता है एक आंसू गिरा शेरू ने वहीं पिघल जाना है और मैं अम्मी को रोता हुआ कभी भी नहीं देख सकता. अच्छा ये वो वाला बेटा है कि सर दबाना पैर दबाना ये हाथ दबाना वो वाला बेटा है या नहीं? आपका आपका मेरा पांव सर दबाना दबा चुके हैं बड़ी. हाँ पांव तो आपको दबाता हूँ. अरे क्या बात है. अच्छा अपनी कितनी खिदमतें कराते हैं जब बीमार होते हैं? तो शेरू बीमार पड़ गया, इतना काम कर रहा है, मतलब बीमार होने का भी टाइम नहीं होता बंदे के पास. लेकिन क्या ये बंदा शेरू बहुत बुरा पेशेंट है. बीमार हो के ये जब बीमार होता है ना फिर ये अपने कमरे में जा जाता है और मेरे से छुपाता है. फिर मैं एजे को भेजती हूँ, मैं इसके ड्राइवर को भेजती हूँ, साहब को देखो सो रहे हैं, जागने खाना खा लिया है, फोन पे बात कर रहे हैं, सूप ले आओ. बिकॉज ही ये मैसेज पाते हैं, उसको पता होता है मैं वरीड हो जाऊंगी. अच्छा मुझे अच्छा कितना टाइम फोन पे लगाते हैं, कितना टाइम टीवी पे लगाते हैं और कितना टाइम काम पे लगाते हैं? मैं काम पे सबसे ज्यादा टाइम लगाता हूँ. बिकॉज मैं काम मेरे लिए काम नहीं है. देखो क्या जिंदगी है, आप सुबह उठते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं हर रोज वो चीज करता हूँ जो मेरा पैशन है. मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ. मुझे लोगों से बात करने का शौक है, मुझे नई चीजें क्रिएट करने का शौक है. मैं फोन पे सोशल मीडिया में बड़ा मारा हुआ है, आपको पता है. मुझे ये एडिक्शन है और मुझे बड़ा शौक है सोशल मीडिया का. लोग जो देखते हैं मुझे फॉलो करते हैं स्पेशली इंस्टाग्राम पर, उनको पता है मैं तो स्टोरी पे स्टोरी लगा रहा होता हूँ. मगर मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत ज्यादा. आई कांट हेल्प इट. अम्मी कभी गुस्से होती है कि बस कर दे यार खाना खा रहे हो, मगर मैं लगा होता हूँ कुछ ना कुछ कर रहा हूँ. इंसान अपने लिए बहुत कुछ करता है, मेहनत करता है. एक स्टेज आता है जब वो कहता है मैंने ये भी कमा लिया है, मैंने काम भी कर लिया, मेरा नाम भी बना लिया. उस वक्त इंसान कहता है यार अब मेरी बारी है कि मैं दूं. बिल्कुल. तो हसन क्या सोचता है कि वो अपने मुल्क को क्या दे सकता है? सबसे जरूरी जो चीज मैं समझता हूँ कि क्योंकि अम्मी
सबसे ज्यादा उन्होंने सबसे जो चीज़ की है वो पढ़ाया है, वो एजुकेशनलिस्ट थी. मेरे नाना भी एजुकेशनलिस्ट थे. अम्मी ने भी मुझे जब मैं फैशन स्कूल मैं डिजाइनर बनना चाह रहा था, मैं फैशन स्कूल जाने का मेरे कोई इरादे नहीं थे, मैं तो सीधा डिजाइनर बनना चाह रहा था. अम्मी ने मुझे तब भी मुझे कहा था कि बेटा अगर सर्जन बनने के लिए मेडिकल स्कूल जाना है, लॉयर बनने के लिए लॉ स्कूल जाना है, डिजाइनर बनने के लिए कोई स्कूल होगा तुमने जाना जरूर है. तालीम हासिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज पावर एंड विदाउट फोर्स करकर आपको बहुत ज्यादा. और मुझे फैशन स्कूल ढूंढवाया, मैंने कहा हम नहीं अफोर्ड कर सकते. उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए तुम खुद करोगे और चार साल तुम पढ़ोगे, तुम एक उठ के डिजाइनर बनने वाले तुम नहीं करने वाले. मैं ये चीज अब इतनी मेरे अंदर आ चुकी है. हम लोग बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए मैं डेवलपमेंट लिटरेसी के लिए फंड रेजिंग कभी कर रहा होता हूँ, मैं केयर के लिए कर चुका हूँ. मैं क्योंकि मेरी साइट नहीं थी, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है नाउ पीडीपी, मैं जाके वहाँ क्लासेस भी देता हूँ जो ब्लाइंड हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ. मेरा हमेशा एक कोशिश होती है, देखिए जी मैं खुद आज हम जहाज पर आ रहे थे और हम हंस रहे थे कि हमें देखें कोई हमें बुला रहा है कराची टेलीविजन शो पे आने के लिए, और अगर 25 साल पहले हम अगर सोचते तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं था. अब अगर हम लोग ये वापस ना दे सके ना, मेरे पास मेरे सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है, मेरा वक्त और मेरा एक्सपीरियंस. मैं अब एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ फ्री में, हम बच्चों को लेते हैं जिनके पास एजुकेशन हो फैशन में या ना भी हो, हम ऐड डालते हैं और 30-30, 40-40 बच्चे मेरे पास आते हैं और हम उनको 3-4 महीने हम एक प्रोग्राम है HSY मेंटरशिप प्रोग्राम और मैं उनको मेंटर करता हूँ हर चीज, ना सिर्फ इंटर्नशिप इन फैशन मगर मार्केटिंग में, डिजाइन में, स्पीकिंग में, एलोक्यूशन में, तैयार होने में, प्रेजेंटेशन में, अपने सोच समझ दिमाग में. बिकॉज बड़े बच्चों के पास नहीं मौके कुछ को आपको कोई मेंटर कर रहा हो, हम उनकी मेंटोरिंग करते हैं. उसके साथ साथ अगर कोई भी कहीं भी फंड रेजिंग हो रही हो जिसके अंदर पाकिस्तान का कहीं बेहतरी हो, चाहे वो फंडिंग इन एजुकेशन हो, फंडिंग इन मेडिकल हो, स्पेशली फंडिंग इन किसी बच्चों की एजुकेशन या मेडिकल के लिए हो, वहां मैं पहुंचाऊंगा, वहां मैं शो भी करूंगा, मैं बोलूंगा भी, वहां मैं स्पीचेस भी दूंगा. अल्लाह ने बहुत नाम दिया. अब HSY मैं खुद नहीं कह रहा, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इस प्यार को हमने बांटना है. अब बांटना है, मैं भी बांटती हूँ अपने तरीके से. मैं वर्कर्स के साथ बांटती हूँ, ये इंस्टीट्यूशंस के साथ बांटता है. जो हमारी जनरेशन है उनको एजुकेट बेटा ये लेके फिर आपको जब दे ना तो फिर तो आप वो. मैं PIFT में पढ़ा था. अब मेरे को याद है हम किस तरह गए थे. अब मैं PIFT जो स्कूल में जिसमें मैं पैसे नहीं दे सकता था, अब मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ. माशाल्लाह. और अब ये मुझे मौका मैं यूज करना चाहता हूँ उन बच्चों को बताने के लिए कि यू डोंट हैव टू बी समवन बिग टू स्टार्ट, यू हैव टू बी अ प्राउड एंड होपफुल पाकिस्तानी. एंड अगर आप वो हो जाए ना और आपके पास ऐसा कोई बंदा हो जो आपको गाइड कर सके, आई थिंक दिस कंट्रीज पोटेंशियल इज ट्रेमेंडस. अब हमें ये वक्त आ गया कि हम मस्ट गिव बैक, नॉट जस्ट मेहनत करनी है और हिम्मत नहीं. फैशन स्कूल का एक दफा कई साल पुरानी बात है, जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरा ख्याल जा चुका था तब तो इंडिया से आए थे, जब तुम वहाँ को शो करके आया था तो उन्होंने इश्तिहार बांटे थे, लिखा हुआ था इफ़ यू वॉन्ट टू बी लाइक HSY ज्वाइन पाकिस्तान फैशन स्कूल. तो वो जो इश्तिहार था मेरे लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई नहीं था. आई बीन वेरी ब्लेस्ड. बट यस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप वापस और वापस मैं शुरू से किसी तरीके से करता रहा हूँ. मैं बोलता नहीं हूँ, बोलना जरूरी नहीं है, जरूरी है मगर करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी. ये पूरा प्रोग्राम जो आज का सुबह का प्रोग्राम है ये एक बहुत ये बड़ी मोटिवेशन है खासतौर पर नौजवानों के लिए जो कहते हैं इस मुल्क में तो कुछ नहीं रखा, हम तो कुछ नहीं कर सकते. एक शख्स बाहर से आया, वहाँ एजुकेट हुआ और आया यहाँ और नाम यहीं कमाया. मिसाल आपके सामने है आज ये कहाँ है. तो प्लीज़ ये कहना छोड़ें सिर्फ मेहनत मजदूरी और थोड़ी सी अकल से और औरत की कदर से आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं. थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया. इतनी बातें इतनी सारी चीज़ें मैंने एज माँ आपसे सीखी हैं. प्लीज़ बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला. अल्लाह तुम्हें खुश रखे. बहुत मैं तो यहाँ बैठ के खुदाफिस करूँगी और बहुत शुक्रिया आपने इतनी सारी टिप्स दी एज माँ सारी माओं को. हसन आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने घर में आने की इजाज़त. आपको मुझे आपके साथ ये टाइम गुजार के मुझे भी बहुत अच्छा लगा. जानता तो मैं आपको बहुत देर से था मगर मुझे लगता है कि मेरा एक और नया दोस्त बन गया. सो थैंक यू सो मच. मैंने कहा था इंट्रो में कि जब आपका ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको फ़ायदे पहुंचाते हैं और कामयाबी की सीढ़ी बनते हैं. मैं यही कह रही थी कि हमारा शो जो है लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, हम बात भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन जिस दिन मैंने आपके कपड़े पहने होते हैं
कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो तारीफ किए बगैर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और यहाँ मैं खुदाफिस करती हूँ. तुम्हें खुश रखे इतनी इतनी देर से. माशाल्लाह तुम सवाल किए जा रही हो. सवाल करने जरा मुश्किल काम है. अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनकी जिंदगियों के बारे में जानना. ये मेरा शौक, जैसे उनका शौक है कपड़े बनाना, लोगों को खूबसूरत देखता. मुझे लोगों के बारे में जानने का बहुत शौक. तो बेटा ये तुमने किताब पढ़ी है ना मेरी और इसकी. ये किताब है ना. ये किताब है. हाँ. और ये ऐसी किताब है, इस किताब में जो लेसन्स हैं उनसे हम सब फायदा उठा सकते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इनको भी मैं खुदाफिस कर रही हूँ और साथ साथ आपको भी खुदाफिस कर रही हूँ. इनसे गप्पे लड़ा रही हूँ. आप लोग जाइए और अपने दिन का आगाज करें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अल्लाह हाफिज़.